नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सौरभ कुमार सिंह सीओ जी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों हमारे प्यारे गुरुजी खान सर का केमिस्ट्री बुक, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों, क्योंकि इस बुक में जितनी भी क्वेश्चन दी गई है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी गई है दोस्तों, और सभी का बिल्कुल इसका विश्लेषण भी दिया गया है। और खास करके दोस्तों इस बुक में जो टॉपिक बाय टॉपिक यानी दोस्तों पॉइंट बाय पॉइंट जो दिया गया है दोस्तों ब्रैकेट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक आज दोस्तों हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको, और ये दोस्तों ये पूरी बुक को दो भागों में हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला भाग आज है दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 5 तक कंप्लीट करेंगे। इस बुक में टोटल चैप्टर 12 दिया गया दोस्तों, 12 यानी 5 तक कंप्लीट करेंगे। सेकेंड दोस्तों इसका टोटल कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, यानी दो वीडियो में पूरी बुक को हम लोग शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों पेज बाय पेज क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप इस बुक को देख लीजिए, यही बुक है दोस्तों, और यह हमारे प्यारे गुरुजी खान सर हुए दोस्तों, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए ये बुक है, और यह किरण पब्लिकेशन का बुक है दोस्तों। किरण पब्लिकेशन का आप लोगों को पता होगा ही, किरण पब्लिकेशन की बुक कितनी अच्छी आती है दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहले खान सर के बारे में देख लीजिए दोस्तों, बड़ा मुश्किल है उनको गिराना जिनको ठोकरों ने चलना सिखाया है। नाम खान सर जानते हैं आप लोग दोस्तों, रुचि बचपन से ही सवाल पूछने का था और आज लाखों के सवालों के जवाब देने का हो गया है दोस्तों खान सर। और ये केमिस्ट्री इसमें दोस्तों थ्योरी प्लस 900 एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विथ न्यूमेरिकल्स दोस्तों, जिसे हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। और यह बुक क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी जेईएएलपी एवं रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में केमिस्ट्री विषय से संबंधित प्रश्न अच्छी संख्या में दोस्तों पूछी जाती है। याद रखिएगा, ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, एवं प्रश्नों की प्रकृति अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के कंपेरिजन में भिन्न होती है, यानी दोस्तों अलग तरीका से होता है, बिल्कुल सेम उसी तरीका से इसमें दिया गया सभी क्वेश्चन। और ये बिहार दरोगा, बिहार सिपाही, बिहार SSC या PCS एवं अन्य परीक्षाओं में भी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है दोस्तों। और इस चैप्टर का ये अनुक्रमण निकाय है, यानी दोस्तों इसका कंटेंट्स है, बिल्कुल ये देख लीजिए। और ये दोस्तों 5 चैप्टर तक आज हम लोग शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों कंप्लीट करेंगे, पेज बाय पेज, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट, और 6 चैप्टर से लेके 12 तक दोस्तों सेकेंड वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। थोड़ी सी लॉन्ग बुक है दोस्तों, मोटी बुक है, इसलिए दो पार्ट में हम इसे कंप्लीट करेंगे, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। इस बुक का चैप्टर नंबर 1 में दिया गया पदार्थ की प्रकृति, यानी द नेचर ऑफ मैटर। पहले हम लोग इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है पृथ्वी के भूपटी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व एवं उनके प्रतिशत, जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑक्सीजन 49.9% पाया जाता है भूपटल पर, एल्युमिनियम 7.3% पाया जाता है दोस्तों, कैल्शियम 3.2% पाया जाता है, और पोटासियम 2.3% पाया जाता है भूपटल पर, सिलिकॉन 26% पाया जाता है, लोहा 4.1% पाया जाता है, सोडियम 2.3% पाया जाता है दोस्तों, मैग्नीशियम 2.1% पाया जाता है मैग्नीशियम, एवं अन्य यानी अदर दोस्तों 2.8% पाया जाता है। सभी का एटॉमिक नंबर भी जान लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 दोस्तों, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, कैल्शियम का होता है 20 दोस्तों एटॉमिक नंबर, पोटासियम का होता है 19, सिलिकॉन का होता है 14 एटॉमिक नंबर दोस्तों, लोहा का 26 होता है एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है दोस्तों, मैग्नीशियम का 12 होता है, याद रखिएगा सभी को। नेक्स्ट है सामान्य मानव शरीर में तत्वों की औसत मात्रा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑक्सीजन मानव शरीर में 75% पाया जाता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 10% पाया जाता है दोस्तों, कैल्शियम 2% पाया जाता है, पोटासियम 0.35% पाया जाता है, सोडियम 0.15% पाया जाता है, मैग्नीशियम 0.05% पाया जाता है दोस्तों मानव शरीर के अंदर, और कार्बन दोस्तों 18% पाया जाता है मानव शरीर में, नाइट्रोजन 3.3% पाया जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस 1%, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है मानव शरीर में 65%, याद रखिए, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 8, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का 20 होता है दोस्तों एटॉमिक नंबर, पोटासियम का 19 होता है एटॉमिक नंबर, सोडियम का 11 होता है दोस्तों एटॉमिक नंबर, याद रखिएगा, मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, कार्बन का 6 होता है दोस्तों एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर, और फास्फोरस का दोस्तों 15 होता है एटॉमिक नंबर, सभी का आप लोग याद रखिएगा।
धातु क्या होता है? धातु तत्व विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं दोस्तों धातु, याद रखिएगा। जैसे हो गया लोहा, तांबा, चांदी, सोना, प्लेटिनम, याद रखिएगा। वो धातु तत्व विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जैसे हो गया गंधक दोस्तों, जिसको बोलते हैं सल्फर, फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया इत्यादि, ये सभी वो धातु है दोस्तों जो क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। नोट जिसे आपको याद रखनी है, कुछ तत्व द्रव और गैस के रूप में भी पाए जाते हैं दोस्तों। गैस के रूप में ऑक्सीजन पाया जाता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, और द्रव के रूप में ब्रोमीन और पारा पाया जाता है। पारा दोस्तों धातु है, याद रखिएगा। इसका एटॉमिक नंबर पारा का एस 80 होता है दोस्तों, 80। ये जो ब्रोमीन है दोस्तों, ये एक ओ धातु है, याद रखिएगा, एकमात्र ओ धातु है दोस्तों जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन। और ये ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 35 होता है, याद रखिएगा 35, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखिए, CO2 से सूखी बर्फ बनना, ये होता है दोस्तों भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेज। और ये रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेज में दोस्तों, मक्खन का खट्टा होना ये केमिकल चेंजेज हो जाएगा। मोमबत्ती का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है दोस्तों, जबकि मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेज। पानी से बर्फ बनना ये होता है भौतिक परिवर्तन, और अगरबत्ती का जलना दोस्तों ये होता है केमिकल चेंजेज यानी रासायनिक परिवर्तन। पानी का वाष्प बनना ये होता है भौतिक परिवर्तन। खाने का पचना दोस्तों, ये जो पच जाता है ये केमिकल चेंजेज होता है। चीनी या नमक का पानी में मिश्रण, ये होता है दोस्तों भौतिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना, ये होता है क्या, केमिकल चेंजेज। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिससे कोई अलग मैटर का या फिर कोई अलग तत्व का निर्माण नहीं हो, उसे ही भौतिक परिवर्तन कहेंगे दोस्तों। जैसे मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती पिघल जाएगा, फिर दोस्तों उसी रूप में हम लोग उसको फिर ला सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल उसी रूप में जो आ जाए फिर पुनः वही रूप में, वह होता है दोस्तों भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन वह पुनः वही रूप में नहीं आएगा दोस्तों, कहने का मतलब रासायनिक परिवर्तन में कोई अलग धातु या फिर दोस्तों मैटर का निर्माण हो जाता है, याद रखिएगा, लेकिन फिर वही रूप में वो नहीं आ सकता है रासायनिक परिवर्तन में। सिंपल सा ये याद रखिएगा दोस्तों। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, पानी से बर्फ का बनना। पानी को अगर हम लोग दोस्तों फ्रीज करेंगे तो वह बर्फ बन जाएगा, और बर्फ को दोस्तों थोड़ी सी हम लोग गर्म करेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों कि लिक्विड में हो जाएगा, पानी में फिर आ जाएगा, यानी वही रूप में फिर आ जाएगा। जब वही रूप में आ जाए उसे कहेंगे भौतिक परिवर्तन। जब वही रूप में ना आए दोस्तों, जैसे अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती को अगर हम लोग जला देंगे दोस्तों, तो क्या ये फिर अगरबत्ती बन सकता है? नहीं बन सकता है दोस्तों, इसीलिए ये हो गया रासायनिक परिवर्तन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण के कारण होता है दोस्तों, और ये केमिकल चेंजेज होता है। शुष्क बर्फ का, याद रखिएगा, सिब्लिमेशन होना, ये भी होता है क्या, फिजिकल चेंजेज। दूध से दही का बनना, ये केमिकल चेंजेज होगा दोस्तों, यानी रासायनिक परिवर्तन। कपूर का जलना, अगर हम लोग कपूर को जलाएंगे दोस्तों तो वो वेपर में बन जाएगा, और वेपर को फिर हम लोग कपूर में ला सकते हैं दोस्तों। और याद रखिएगा, फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना, ये बिल्कुल जल जाएगा दोस्तों। फास्फोरस को हम लोग रखते हैं किस में, जल में रखते हैं दोस्तों। अगर हम लोग केरोसिन तेल में फास्फोरस को रखेंगे तो वह जल जाएगा, यानी वो केमिकल चेंजेज में चेंजेज हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। रेत का पानी में घुलना ये होगा फिजिकल चेंजेज। और सोडियम को पानी में डालना दोस्तों, ये सोडियम को हम लोग रखते हैं दोस्तों केरोसिन तेल में, अगर हम लोग इसको पानी में डाल देंगे तो वो जल जाएगा दोस्तों। जब वो जल जाएगा तो वो हो गया केमिकल चेंजेज। और अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, ये होगा जो फिजिकल चेंजेज, जबकि प्लेटिनम तार का जलना, ये हो जाएगा केमिकल चेंजेज। अक्सर दोस्तों जो भी चीज़ जल जाता है वो केमिकल चेंजेज होता है दोस्तों। लोहे का चुंबकीकरण, ये होगा क्या दोस्तों, फिजिकल चेंजेज। पदार्थों का किण्वन, ये होगा केमिकल चेंजेज, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुद्ध पानी का क्वथनांक होता है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी उबलने लगता है। अशुद्ध पानी जबकि दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर उबलेगा अशुद्ध पानी। भारी जल डिट्रियम ऑक्साइड D2O जल, डिट्रियम ऑक्साइड, ये 101.4 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है दोस्तों, इसका ये क्वथनांक है। और ईथर का दोस्तों 24% पर ही ईथर उबलने लगता है दोस्तों, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, नोट में दिया गया है सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल के एक भाग तथा सांद्र HClCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तीन भाग को समांगी मिश्रण को अम्लराज यानी एक्वारेजिया कहते हैं। दोस्तों याद रखिए ये जो होमोजेनियस मिक्सचर हो जाता है दोस्तों HCl का तीन अणु होता है दोस्तों और तीन भाग होता है और HNO3 का एक भाग होता है, दोनों जब मिक्स होता है तो ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है दोस्तों यानी समांगी मिश्रण हो जाता है और इसे ही हम लोग एक्वारेजिया कहेंगे। याद रखिएगा अम्लराज या फिर एक्वारेजिया। इसमें प्लेटिनम PT प्लेटिनम और सोना AU घुल जाता है दोस्तों। बिल्कुल पूछा जाता है दोस्तों ये एक्वारेजिया का अनुपात क्या होता है दोस्तों, तो सिंपल सा HNO3 पूछा जाएगा और HCl का ये अनुपात क्या होगा, HNO3 1 हो जाएगा दोस्तों और HCl 3 हो जाएगा। कभी कभी उल्टा करके भी पूछ लेता है HCl और HNO3 का, तो इसी को बिल्कुल उल्टा हम लोगों को भी कर देनी होगी, तो 3:1 हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अब विलयनों का प्रकार है और उदाहरण है दोस्तों। ठोस में ठोस का विलयन का उदाहरण देखिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तांबा में जस्ता, तांबा में जस्ता ये ठोस में ठोस का उदाहरण है दोस्तों। तांबा में टीन ये भी है, तांबा में एल्युमिनियम ये भी है दोस्तों, तांबा में जिंक वो निकेल आदि का मिश्रण जो ये विलयन होता है ये होता है दोस्तों ठोस में ठोस का विलयन। याद रखिएगा एग्जाम्पल आप लोगों से पूछा जाएगा। ठोस में द्रव का विलयन जो होता है ये थेलियम में पारा का विलयन ये है दोस्तों ठोस में द्रव का विलयन। चीनी में जल का विलयन ये भी हो जाता है ठोस में द्रव का विलयन। नमक में जल का विलयन ये भी होता है दोस्तों ठोस में द्रव का विलयन। याद रखिएगा ठोस में गैस का विलयन क्या होता है, पैलिडियम में हाइड्रोजन का विलयन ये ठोस में गैस का विलयन हो जाएगा और कपूर का वायु में विलयन ये ठोस में गैस का विलयन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, द्रव में ठोस का विलयन, द्रव में ठोस का विलयन देखिए, जल में चीनी का विलयन ये द्रव में ठोस का विलयन है दोस्तों और कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन का विलयन ये भी द्रव में ठोस का विलयन है। पारा में लेड का विलयन ये भी द्रव में ठोस का विलयन है दोस्तों। जेली स्टार्च ये भी द्रव में ठोस का विलयन है। प्रोटीन और सॉल्ट ये भी है दोस्तों। द्रव में द्रव का विलयन देखिए, द्रव में द्रव का विलयन, जल में एल्कोहल का विलयन ये होता है दोस्तों द्रव में द्रव का विलयन। और CH2 यानी कार्बन सल्फाइड में ब्रोमीन का विलयन दोस्तों, ये ब्रोमीन का विलयन ये भी होगा द्रव में द्रव का विलयन। और H2SO4 यानी सल्फ्रिक अम्ल का जल में विलयन ये भी होगा दोस्तों द्रव में द्रव का विलयन। याद रखिएगा द्रव में गैस का विलयन क्या होता है वो देखिए, जल में CO2 का विलयन, द्रव में गैस का विलयन है दोस्तों। और बेंजीन में HCl का विलयन ये भी द्रव में गैस का विलयन है। गैस में ठोस का विलयन ये होता है दोस्तों, वायु में आयोडीन का विलयन ये गैस में ठोस का विलयन है। और धुआं ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, धुआं पूछा जाता है बहुत बार कि धुआं क्या है, तो गैस में ठोस का विलयन है धुआं दोस्तों। गैस में द्रव का विलयन ब्रोमीन हो गया, गैस में द्रव का विलयन दोस्तों CO2 हो गया, अमोनिया आदि गैसों का जल में विलयन, और बादल कोहरा ये गैस में द्रव का विलयन है। ये भी पूछा जाता है दोस्तों, बादल और कोहरा इंपॉर्टेंट है, ये गैस में द्रव का विलयन है दोस्तों बादल और कोहरा याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, गैस में गैस का विलयन वायु हो गया और गैसों का मिश्रण हो गया, ये गैस में गैस का विलयन है। ध्यान दें आपको क्या ध्यान देनी है वो देखिए, आयनिक वो ध्रुवीय पदार्थ जल में विलय होते हैं दोस्तों, जैसे हो गया सोडियम क्लोराइड, पोटासियम ब्रोमाइड और उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट दोस्तों, और कॉपर सल्फेट हो गया CuSO4 आदि जल में ये विलय है। याद रखिएगा ये सभी विलय है जल में, क्या सोडियम क्लोराइड, पोटासियम ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट कॉपर सल्फेट ये जल में विलय है दोस्तों। और ध्रुवीय पदार्थ क्या है दोस्तों, ये है CHCl3, इसे ही हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं दोस्तों, ये ध्रुवीय पदार्थ है। CH3 हो गया, C6H6 हो गया दोस्तों, बेंजीन एक तरह से आदि में ये विलय होते हैं ठीक है। और जैसे I2 यानी ये हो गया दोस्तों आयोडीन, I2 सल्फर और AlCl3 यानी दोस्तों एल्युमिनियम क्लोराइड आदि ध्रुवीय विलयनों में ये घुलनशील होते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। नेक्स्ट नोट क्या आपको याद रखनी है, दूध को देर से फटने के लिए बेकिंग सोडा जैसे पदार्थ का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं खाने का सोडा, इसका फार्मूला होता है NaHCO3 × 10H2O सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 × 10H2O याद रखिएगा। बेकिंग सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है दोस्तों, जबकि हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 तथा कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन अम्लीय होता है। याद रखिएगा बेकिंग सोडा का जलीय विलयन क्या होता है दोस्तों, क्षारीय होता है,
और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 तथा कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है दोस्तों, अम्लीय होता है। अम्लीय क्या होगा, जिसका पीएच वैल्यू दोस्तों 7 से कम होगा। क्षारीय क्या होगा, जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा दोस्तों। जिसका 7 होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जिसे हम लोग बैंकिंग सोडा कहते हैं यानी खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा या फिर बेकिंग सोडा, पाव रोटी में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर और पेरिस बन जाएगा। जिप्सम का फार्मूला होता है दोस्तों CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। जब इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ये प्लास्टर और पेरिस में बन जाएगा दोस्तों, यानी CaSO4 × 1/2H2O। प्लास्टर और पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 × 1/2H2O। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। लवणों का उपयोग यानी यूजेज ऑफ साल्ट्स के बारे में देखिए, इधर है दोस्तों लवण और ये है उपयोग। ये लवण का किसमें हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे पोटास एलम होता है दोस्तों K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O। पूछा जाता है दोस्तों ये पोटास एलम में कितने जल का अणु होता है, 24 होता है दोस्तों, और इसे ही हम लोग कहते हैं फिटकरी। पोटास एलम को ही क्या कहते हैं दोस्तों, फिटकरी, याद रखिएगा। इसका जो उपयोग होता है दोस्तों जल के शुद्धिकरण में होता है, ठीक है, और औषधि निर्माण में होता है, रंगाई में रंग बंधक के रूप में होता है दोस्तों, शरीर के किसी अंग के थोड़ा कट जाने पर खून बहन से रोकने में इसका फिटकरी का उपयोग किया जाता है, इसीलिए दोस्तों, और ये स्कंदन के रूप में ये करता है दोस्तों। जब आप लोग दाढ़ी बनाते होंगे दोस्तों तो ये फिटकरी इसीलिए लगाया जाता है, और उसमें चमड़ा उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिटकरी का क्या हुआ फॉर्मूला दोस्तों, याद रखिएगा, K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O। इसे ही हम लोग फिटकरी कहते हैं पोटासियम को। नेक्स्ट है पोटासियम नाइट्रेट, ये देखिए पोटासियम नाइट्रेट KNO3 दोस्तों, इसका उपयोग गन पाउडर में किया जाता है, आतिशबाजी का सामान बनाने में किया जाता है, कांच उद्योग में किया जाता है दोस्तों पोटासियम नाइट्रेट का, और उर्वरक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सभी हम लोग लवण पढ़ रहे हैं दोस्तों, लवण याद रखिएगा। नेक्स्ट कॉपर सल्फेट यानी CaSO4 × 2H2O। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है दोस्तों CaSO4 × CaSO CuSO4 × H2O। ये कॉपर सल्फेट हो गया, इसका उपयोग किया जाता है कीटाणुनाशक के रूप में दोस्तों, विद्युत लेपन में, रंगाई एवं छपाई में कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है, एवं कॉपर के शुद्धिकरण में भी किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, इसको तो कौन नहीं जानते हैं दोस्तों, सभी जानते हैं, ये नमक हो गया दोस्तों NaCl, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, टेबल साल्ट। देखिए मानव आहार का आवश्यक पदार्थ है ये सोडियम क्लोराइड, अगर ये इसका कमी है दोस्तों, यानी इसमें होता है आयोडीन, आयोडीन का अगर कमी है तो घेंगा रोग जिसको ग्वाइटर रोग बोलते हैं दोस्तों ये हो जाता है। अचार के परीक्षण में किया जाता है, परिरक्षण में उसको मिला के रखा जाता है, इसलिए अचार बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है। मांस एवं मछली के संरक्षण में भी, संचारण में भी किया जाता है दोस्तों। रासायनिक यौगिकों के निर्माण में भी NaCl का प्रयोग किया जाता है यानी सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट, यही सोडियम कार्बोनेट है दोस्तों Na2CO3 × 10H2O। इसे ही हम लोग वाशिंग सोडा कहते हैं यानी दोस्तों धोवन सोडा, याद रखिए दोस्तों वाशिंग सोडा Na2CO3 × 10H2O। आप लोग कन्फ्यूज कीजिएगा दोस्तों दो चीज़ में, एक हो गया सोडियम कार्बोनेट, एक हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है दोस्तों वाशिंग सोडा Na2CO3 × 10H2O, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी दोस्तों NaHCO3 × 10H2O वो होता है बेकिंग सोडा, उसे खाने का सोडा भी कहते हैं। और ये सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है कपड़ों की धुलाई में दोस्तों, कांच निर्माण में, कास्टिक सोडा के निर्माण में, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट पूर्ण के रूप में, चूर्ण के रूप में किया जाता है दोस्तों। अभी जस्ट हम लोग बोले थे ना, बिल्कुल वाशिंग सोडा के रूप में रासायनिक यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट ये पूछ ही दिया है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा दोस्तों, खाने का सोडा। इसका उपयोग रसोई घरों में किया जाता है दोस्तों, पेट की अम्लीयता को कम करने की औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, बेकिंग पाउडर के रूप में भी किया जाता है, और अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये यही होता है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट, जो याद रखिएगा दोस्तों अग्निशामन यंत्र में किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है दोस्तों ये क्या होता है, जब ये जलने लगता है यानी जहाँ जल रहा है वहाँ यूज किया जाएगा दोस्तों इसको, ये जल के ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है दोस्तों, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है तो वहाँ बिल्कुल, आपको पता है दोस्तों ये जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर वहाँ हम लोग दे देते हैं तो वो बिल्कुल बुझ जाएगा यानी बंद हो जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे अम्लों का उपयोग, यूजेज ऑफ एसिड, यानी इसका पीएच वैल्यू होगा लेस देन 7, 7 से कम होगा दोस्तों। साइट्रिक अम्ल कपड़ा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, धातुओं को साफ करने में किया जाता है दोस्तों, खाद्य पदार्थों व दवाओं के निर्माण में साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और याद रखिएगा जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं दोस्तों उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, नींबू में भी साइट्रिक एसिड ही पाया जाएगा। नेक्स्ट एसिटिक अम्ल, यही एसिटिक अम्ल है दोस्तों जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड। याद रखिएगा सिरका निर्माण में इसका प्रयोग किया जाएगा एसिटिक एसिड का, खट्टे खाद्य पदार्थों में किया जाता है दोस्तों एसिटिक एसिड का, और विलायक के रूप में भी किया जाता है, एसीटोन के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये हुआ दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है दोस्तों COOH का होल टू हो जाएगा, ये होगा दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल। और ये जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है दोस्तों इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कपड़े पर स्याही के धब्बे को हटाने में दोस्तों, और कपड़ों की छपाई वो रंगाई में चपड़े के व्यंजक के रूप में, चमड़े के व्यंजक के रूप में करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग। नेक्स्ट है फॉर्मिक अम्ल, ये फॉर्मिक अम्ल होता है दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है HCOOH दोस्तों, क्या HCOOH, ये हुआ फॉर्मिक अम्ल। इसे ही हम लोग कहेंगे मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। इस पर थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम होती है दोस्तों, इसलिए हम लोग अच्छी तरह से नहीं लिख पाते हैं इस पर, तो कुछ देर में पैड ले लेंगे दोस्तों तो बिल्कुल आप लोगों को सुविधा होगी, अच्छी तरह से हम लिख पाएंगे दोस्तों। सिर्फ आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों, सभी चीज़ हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल जिसे हम लोग कहेंगे मेथेनोइक एसिड, इसका प्रयोग हम लोग जीवाणुनाशक के रूप में करते हैं, फलों को संरक्षित करने में करते हैं, चमड़ा उद्योग में भी करते हैं, रबर के अस्कंदर में भी करते हैं दोस्तों फॉर्मिक अम्ल। और यही फॉर्मिक अम्ल है दोस्तों जितने भी बिच्छू हो गया दोस्तों, चींटी के डंक हो गया, ये सभी में फॉर्मिक अम्ल ही होता है दोस्तों, यानी मेथेनोइक एसिड ही होता है। नेक्स्ट नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, ये जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसका उपयोग करते हैं दोस्तों हम लोग औषधियों के निर्माण में, उर्वरक बनाने में करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं, विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में भी करते हैं, अम्लराज बनाने में तो करते ही दोस्तों। अम्लराज आपको तो पता ही नहीं, एक्वारेजिया अभी जस्ट हम लोग बोले थे HNO3, देखिए HNO3, देखिए स्पष्ट नहीं चल रहा है पेन दोस्तों इस पर, HNO3 मतलब प्लस 3HCl होता है दोस्तों, 3HCl यानी एक HNO3 होगा, तीन ठोस क्या होगा HCl होगा, ये दोनों को अगर हम लोग मिक्स कर देंगे तो एक्वारेजिया बन जाएगा दोस्तों, यानी अम्लराज बन जाएगा। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों एक्वारेजिया का, इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक मिनट दोस्तों, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में देखिए, HCl इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, और ये इसका उपयोग करते हैं हम लोग रंग एवं औषधि निर्माण में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और अम्लराज बनाने में तो करते ही हैं दोस्तों। सल्फ्रिक अम्ल यानी H2SO4, H2SO4 को ही हम लोग कहते हैं सल्फ्रिक अम्ल, इसका प्रयोग करते हैं संचायक बैटरियों में, पेट्रोलियम शोधन में, और विस्फोटक बनाने में करते हैं, रंग एवं औषधियों बनाने में करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा सल्फ्रिक अम्ल का। नेक्स्ट है भस्मों और छारों का उपयोग के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। भस्म या फिर छार क्या होता है दोस्तों, छार यानी दोस्तों बेस, BASE बेस को ही हम लोग कहते हैं छार दोस्तों, जिसका पीएच वैल्यू होता है 7 से ज़्यादा। देखिए दोस्तों पोटासियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH जो होता है दोस्तों, KOH ये एक भस्म या फिर छार है दोस्तों, इसका उपयोग हम लोग करते हैं प्रयोगशाला में प्रतिकर्मण के रूप में, मुलायम साबुन के निर्माण में करते हैं, CO2 तथा SO2 जैसे गैसों के अवशोषण के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH का दोस्तों। नेक्स्ट कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला तो दे दिया दोस्तों NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग दवा निर्माण में, साबुन बनाने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में करते हैं दोस्तों, घरों एवं कारखानों को साफ करने में भी करते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यानी MgOH का होल टू, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है दोस्तों याद रखिएगा MgOH का होल टू, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं अम्ल पॉइजनिंग के एंटीडॉट, याद रखिए एंटीडॉट के रूप में, अम्ल और पॉइजनिंग जब होता है दोस्तों इसके एंटीडॉट के रूप में करते हैं हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग, पेट की अम्लता को दूर करने में भी करते हैं,
चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार करने में भी करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ दोस्तों, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग बॉयलरों के प्रयोग में, औषधि निर्माण में रबर पूरक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है दोस्तों CaOH का होल टू, इसका फार्मूला होता है। इसका प्रयोग हम लोग घरों में चूना पोतने में करते हैं और गाढ़ा एवं प्लास्टर बनाने में करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण बनाने में करते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है दोस्तों, याद रखिएगा CaOCl2, याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर। और जल को मृदु बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अम्ल जलन पर मरहम पट्टी करने में, जब अम्ल जलन होता है दोस्तों अम्ल से, यानी कोई एसिड फेंक दिया तो उसमें दोस्तों मरहम पट्टी के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में करते हैं, मिट्टी की अम्लता दूर करने में भी करते हैं। नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड दोस्तों, ये हाइड्रा नहीं होगा, ये गलत लिखा है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं। CaOCl2 होता है ना दोस्तों, वही हुआ कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। कास्टिक सोडा के भी निर्माण में करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के भी निर्माण में करते हैं दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर के रूप में तो करते ही हैं, याद रखिएगा सभी को। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों MCQ क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन को दोस्तों समझिएगा और अच्छी तरह से आंसर दीजिएगा सभी का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो यह है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। देखिए वायु में मैग्नीशियम का तार जलना, अक्सर जलना जहां होगा दोस्तों यह रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेज का ही उदाहरण होता है। केमिकल चेंजेज में याद रखिएगा कोई दोस्तों दूसरा एक क्या पदार्थ या फिर मैटर या फिर दोस्तों जो भी बोलिए धातु का निर्माण होता है दोस्तों केमिकल चेंजेज में, फिजिकल चेंजेज में ऐसा नहीं होता, वह पुनः वही रूप में आ जाता है। जैसे समुद्र का जल का आसवन, यह पुनः वही रूप में आ सकता है, बर्फ का पिघलना भी दोस्तों, आयोडीन का उत्पादन भी, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा वायु में मैग्नीशियम तार का जलना। नेक्स्ट है पानी और अल्कोहल को किससे अलग किया जाता है? पानी और अल्कोहल को दोस्तों प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। रासायनिक परिवर्तन होता है जब, क्या होता है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन तब होगा जब लोहे पर जंग लगता है दोस्तों, लोहे पर जंग लगेगा तो रासायनिक परिवर्तन होगा यानी केमिकल चेंजेज। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है ये बताइए, क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, कौन सा कथन सही है? अच्छा सिर्फ सही को हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी क्षारता कहा जाता है दोस्तों, बिल्कुल सही है, अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को इसकी क्षारता कहा जाता है। अम्ल जहाँ भी होगा दोस्तों तो वहाँ बिल्कुल H होगा ही यानी हाइड्रोजन होगा ही दोस्तों। तीन नंबर इसका आंसर होगा कास्टिक सोडा का विलयन निम्न का शोषण करेगा, कास्टिक सोडा आप लोग तो जानते ही हैं कास्टिक सोडा दोस्तों NaOH, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल CO2 हो जाएगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों रिएक्शन करके, उसको आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। जैसे ये हो गया कास्टिक सोडा दोस्तों, अच्छा चलता नहीं है पेन इसमें दोस्तों, इसलिए प्रॉब्लम है, नहीं चलता है दोस्तों पेन, तो आपको हम बताना चाहेंगे NaOH को अगर हम लोग CO2 से रिएक्शन कर देंगे दोस्तों तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा दोस्तों Na2CO3 बन जाएगा, यानी दोस्तों वाशिंग सोडा बन जाएगा और जल दोस्तों अलग हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या पूछ रहा था, कास्टिक सोडा का विलयन निम्न का शोषण करेगा, तो बिल्कुल CO2 का शोषण करेगा दोस्तों, यानी दो नंबर आंसर होगा इसका। अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सिंपल सा है, अम्ल में जल को उड़ेलना पड़ेगा, यानी अम्ल को तनु करने के लिए अम्ल में जल को मिलाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रक्त का pH वैल्यू क्या होता है, ऐसे तो आप लोग जानते हैं 7.4 होता है दोस्तों, ये रक्त जो होता है ये क्षारीय होता है, क्योंकि pH वैल्यू से ही हम लोग क्षारीय और अम्ल का पता लगाते हैं दोस्तों, जब 7 से कम होगा वो होगा अम्ल, जब दोस्तों 7 से ज़्यादा होगा वो होगा क्षारीय, तो 7.4 होता है। अब बताइए आंसर क्या होगा इसका, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 7 और 8 के बीच होता है, 7 और 8 के बीच ही है दोस्तों। 8 नंबर है जब पोटासियम डाइक्रोमेट विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रभावित की जाती है तो विलयन हो जाता है, तो विलयन क्या हो जाता है दोस्तों, सिंपल सा बात है दोस्तों, कैसा हो जाएगा विलयन, तो याद रखिएगा ये हरा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा दोस्तों, हरा हो जाएगा, बिल्कुल ये कलर पूछा गया था इसमें कुछ नहीं, हरा हो जाएगा।
200 मिलीलीटर जल में कितना यूरिया मतलब धुलाया जाए या फिर मिलाया जाए दोस्तों कि विलयन 0.1 मोलर बन जाए, जबकि यूरिया का अनुभार दे दिया 60। यूरिया तो आप लोग जानते ही हैं फार्मूला दोस्तों, यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। ये होता है दोस्तों फार्मूला, या फिर हम लोग इसे भी ऐसे भी लिखते हैं इसको NH2 का होल टू दोस्तों। ये हो गया क्या यूरिया, और इसके बारे में देखिए यहाँ दे दिया दोस्तों, देखिए यूरिया का अनुभार भी दे दिया है और विलयन में मोलर कितना दोस्तों 0.1 बन जाएगा ये भी दे दिया है। सिंपल सा कुछ नहीं करना है दोस्तों, जब हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल सा 6 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है दोस्तों मोलर सांद्रता वाले यूरिया के 1 लीटर विलयन में यूरिया की मात्रा अगर निकालेंगे तो 60 × 0.1 को करेंगे तो 6 हो जाएगा। जब ये 6 हो गया दोस्तों, सिंपल सी बात है ये 6 हो गया, और हमें निकालना है क्या दोस्तों ग्राम में, तो बिल्कुल दोस्तों क्या हो जाएगा 1000 से ये बिल्कुल डिवाइड होगा। और याद रखिएगा दोस्तों, तो इसलिए 200 मिलीलीटर जल में हाँ घुली यूरिया की मात्रा कितनी होगी, तो ये 1 का हो गया दोस्तों, 200 निकालना है, सिंपल सा इसको कर देंगे, बस यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, 3/5 हो जाएगा दोस्तों, जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 1.29 हो जाएगा, 1.29 ग्राम हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या दो नंबर 1.29 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर, पीएच बराबर 2 दे दिया दोस्तों, देखिए पीएच बराबर 2 का घोल और पीएच बराबर 6 के घोल से कितना गुना अधिक अम्लीय होगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, सिंपल सा आप लोग इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाइएगा, आपको पीएच वैल्यू ये 2 जैसे दिया है ना दोस्तों, ये स्क्वायर में हो जाता है माइनस में। जैसे देखिए दोस्तों आपको हम सिंपल सा बताते हैं, ये 2 है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों पीएच स्केल में 1 × 10^-2 -2, ये मोल प्रति लीटर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर हो जाएगा, प्रति लीटर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर प्रति लीटर हो जाएगा ये इतना, ये 2 हो गया, इसको भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे दोस्तों, तो 1 × 10^-6 मोल प्रति लीटर हो जाएगा, प्रति लीटर हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, इसको क्या करनी है, बस डिवाइड दे देनी है, डिवाइड दे दिए दोस्तों, बस आंसर आ जाएगा। जब हम लोग डिवाइड दे दिए, ये माइनस में दोस्तों, ये बिल्कुल जब इक्वल होगा बराबर हो मतलब ऊपर चले जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा दोस्तों, यानी 1 × 10^-2 प्लस हो जाएगा दोस्तों क्या 6, प्लस 6 हो जाएगा। जब इसको हम लोग करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 10^ क्या हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा, 10^ प्लस में 4। जब ये 10^ प्लस में 4 हो गया दोस्तों, इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 दोस्तों, कितना 0 हो जाएगा 4 जूना हो जाएगा, बस यही हो जाएगा दोस्तों, यानी कितना हो जाएगा 10,000 गुना हो जाएगा, याद रखिएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, कुछ नहीं, ये जो पीएच दिया है ना दोस्तों, पीएच 2 जितना भी रहेगा उतना स्क्वायर कर देना और कुछ नहीं, ये भी 6 है, ये भी 6 को बिल्कुल स्क्वायर कर देना है और डिवाइड दे देनी है, बस आंसर आ जाएगी दोस्तों, हमेशा ऐसे ही निकाला जाता है। तो 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है, बताइए। तो ये क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पर द्रव अवस्था में बदले बगैर दोस्तों सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाए उसे ऊर्ध्वपातन कहेंगे, याद रखिएगा ऊर्ध्वपातन, जैसे कपूर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न प्रक्रम द्वारा कपूर केम्फर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है, अच्छा वही दे दिया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऊर्ध्वपातन। अभी जस्ट हम लोग ऊर्ध्वपातन का डिफिनेशन पढ़ रहे थे। दूध उदाहरण है किसका, दूध किसका उदाहरण है दोस्तों, तो ये इमल्सन यानी पायस का उदाहरण है दूध, याद रखिएगा। दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है 6.4। एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, ये रंगहीन होता है, रंगहीन कोई रंग कलर का नहीं होगा। नेक्स्ट, जेली यानी जेली स्टार्च प्रोटीन उदाहरण है किसका, ये किसका उदाहरण है दोस्तों, तो याद रखिएगा द्रव का ठोस में विलयन, जेली स्टार्च प्रोटीन द्रव का ठोस में विलयन का ये उदाहरण है। अभी जस्ट हम लोग ये सभी पढ़ रहे थे दोस्तों। सभी तत्वों के परमाणुओं का आकार होता है कैसा, परमाणुओं का आकार कैसा होगा, तो याद रखिएगा बिल्कुल गोलीय होगा दोस्तों, क्या होगा गोलीय।
नेक्स्ट अम्ल एक पदार्थ है जो क्या, अम्ल कैसा लगता है, ये सिंपल सी क्वेश्चन है दोस्तों। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है दोस्तों, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जबकि दोस्तों ये क्षार जो होता है ये करवाहट टाइप का होता है, करवाहट टाइप का। नेक्स्ट है तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं, तत्व के सबसे छोटे कण को दोस्तों अणु कहते हैं, याद रखिएगा। आपको बता दूँ अणु जो होता है दोस्तों तत्व तथा यौगिक का वह छोटा से छोटा, देखिए छोटा छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है दोस्तों, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है दोस्तों, यानी दो तीन चार परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण होता है, आप हमेशा रखिएगा याद। अणु ये जो होता है अणु ये परमाणु से बड़ा है दोस्तों, परमाणु इससे बहुत ही छोटा होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। जब यौगिक सामान्यता बनाता है क्या, जैव यौगिक सामान्यता बनाता है क्या, तो ये बनाता है सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध बनाता है। नेक्स्ट है अब समझिए इसको, एक मिश्रण में एक्स वाई और जेड नामक विभिन्न पदार्थ है, ठीक है, उनके आकार और रंग समान है दोस्तों। एक्स कण भारी है और वो चुंबकीय है दोस्तों, एक्स कण, वाई कण हल्का और वो चुंबकीय है, जबकि जेड कण चुंबकीय है दोस्तों, जेड कण चुंबकीय है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा इन कणों को अलग कर सकते हैं, आप लोग इसको कॉपी में नोट करके आप लोग बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। आप सिंपल सी बात याद रखिएगा, ये ऊर्ध्वपातन और उसके बाद आसवन करके इसे किया जा सकता है, बिल्कुल। तो चार नंबर आंसर होगा दोस्तों इसका, कार की बैटरी में निम्न में से कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है, जस्ट हम लोग चर्चा किए थे। अच्छा इससे जो पहले था दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन वो थोड़ी सी हम लोग एक बार और देख लेते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोग सही कर लीजिएगा दोस्तों, ये गलती से दूसरा हम बोल दिए हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन होगा दोस्तों दो नंबर, फटक कर और उसके बाद चुंबकीय पृथक्करण करके दोस्तों, फटक कर और उसके बाद चुंबकीय पृथक्करण करके कर सकते हैं हम लोग, इसका दो नंबर होगा दोस्तों। आपको हम बता दूँ वायु, देखिए सुनिएगा दोस्तों, वायु के प्रभावित धारा द्वारा हल्के और भारी कणों को अलग करने की प्रक्रिया ओसाई या फिर फटकन कहलाती है दोस्तों। इस प्रक्रिया में हल्के कणों को उड़ा दिया जाता है जबकि भारी कण बच जाते हैं। यह प्रक्रिया हल्के वाई कणों को भी अलग करने में सहायक होगी दोस्तों, और एक्स और वाई कण गैर चुंबकीय है, बिल्कुल ये चुंबकीय नहीं है, और जेड चुंबकीय है दोस्तों, अतः चुंबकीय विधि इन कणों को अलग करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है दोस्तों। सभी तीनों पदार्थ की आकृति, माप और रंग एक समान होने के कारण हाथ से चुनना और छानना उचित विकल्प नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, और निषेधन विलय और वो विलय पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया होती है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा दो नंबर। नेक्स्ट 21 नंबर देखिए दोस्तों, कार की बैटरी में निम्न में से कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का। 22 नंबर क्वेश्चन है, रेडियम का अर्धायु काल 1600 वर्ष है, इसका औसत आयु काल क्या होगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, औसत आयु काल जैसे ही पूछा जाए और अर्धायु काल दे दिया हो तो बिल्कुल औसत आयु काल बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा अर्ध आयु अब बटे हो जाएगा दोस्तों 0.693। जब हम लोग 0.693 से अर्धायु को डिवाइड कर देंगे दोस्तों तो औसत आयु काल आ जाएगा। जब इसको हम लोग करेंगे 1600 को 0.693 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 2309 वर्ष, आप लोग कर लीजिएगा, आ जाएगा 2309 वर्ष दोस्तों। नेक्स्ट है, पानी में निलंबित अशुद्धियों को प्रभावी ढंग से हटा सकता है, क्या हटा सकता है, तो याद रखिएगा रेत के माध्यम से फिल्टरिंग करने से हटाया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा एक दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है 24 का, तो बिल्कुल ये ऑक्सीडेशन जो है दोस्तों ये क्या है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है यानी केमिकल चेंजेज है। इनमें से कौन सा अधिकार अम्लों का अनिवार्य घटक है, बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन, जितनी भी अम्ल होता है दोस्तों सभी में हाइड्रोजन होगा ही दोस्तों, याद रखिएगा। वह लवण जिसके अणु में ऑक्सीजन यानी O2 या अल्कोहल OH समूह अंतर्विष्ट होता है क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है दोस्तों, याद रखिए समाक्षारीय लवण कहलाता है, समाक्षारीय लवण कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नींबू के रस की pH वैल्यू कितनी होती है, आपको पता ही है दोस्तों नींबू की रस की जो pH वैल्यू होती है वो तो आपको पता है 2.2 होती है दोस्तों,
2.2 यानी 7 से कम होती है। ऐसे ही आप याद रखिएगा, नींबू तो आपको पता ही एसिड होता है दोस्तों, उसमें साइट्रिक एसिड होता है, तो जैसे ही एसिड होगा यानी अम्ल होगा तो वो 7 से कम ही होगा। 7 से कम होगा तभी वो अम्ल कहलाएगा दोस्तों, 7 से ज़्यादा अगर पीएच वैल्यू है तो वो क्षारीय कहलाएगा, याद रखिएगा। अच्छा कुछ पूछ लेते हैं दोस्तों, आप लोग जवाब दीजिएगा, सिरका का पीएच वैल्यू कितना होता है? 2.4 होता है दोस्तों। शराब का पीएच वैल्यू क्या होता है? 2.8 होता है। मूत्र का पीएच वैल्यू क्या होता है दोस्तों? 6 होता है। और दूध का पीएच वैल्यू क्या होता है? 6.4 होता है दोस्तों। लार का पीएच वैल्यू क्या होता है? 6.5 होता है। रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है दोस्तों? 7.4 होता है। और समुद्री जल का तो पता ही है 8.4 पीएच वैल्यू होता है दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग याद कर लिए होंगे। 28 नंबर है, निम्न में से कौन सा गैस द्रव्य और ठोस स्थिति में मुक्त रूप में उपलब्ध होता है? मुक्त रूप में उपलब्ध होगा ये तो CO2 ही हो जाएगा दोस्तों। CO2 गैस, द्रव और ठोस तीनों स्थिति में पाया जाता है दोस्तों CO2। नेक्स्ट इसका दो ही नंबर होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर देखिए, ड्राई फ्रूट जैसे किशमिश को पानी में रखने पर किशमिश पानी को अवशोषित कर लेता है दोस्तों और फूल जाता है, और निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक कारण इस दैनिक घटनाक्रम की व्याख्या करता है? तो सिंपल सा है दोस्तों, परासरण। क्या करता है? परासरण के कारण ही वो फूल जाता है, याद रखिएगा। ए नंबर हो जाएगा इसका। अच्छा अच्छा यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ तो हम लोग परासरण कह दिए, ये प्रासरण, लेकिन आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए एक और ऑप्शन दिया है प्रासरण, यानी है ना दोस्तों ए नंबर, तो ये किस में दिया है दोस्तों? 4 नंबर में दिया है ना, इसीलिए इसका आंसर 4 होगा। इस टाइप का एक बार NTPC में क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों, बिल्कुल आप लोग घबराइएगा नहीं, ए नहीं मार दीजिएगा, इसका हो जाएगा 4 में ए है दोस्तों। नेक्स्ट 30 नंबर, डैश मध्यवर्ती तरल अवस्था में परागमन के बिना किसी तत्व को मतलब प्रत्यक्ष रूप से ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, तो ये क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा दोस्तों, क्या है देखिए यहाँ पर, प्रत्यक्ष रूप से ठोस से गैस, ठोस से डायरेक्ट गैस, ऐसे सबका गुण होता है दोस्तों, ठोस से वो द्रव में बनेगा तब गैस में बनेगा, ये ठोस से डायरेक्ट गैस है दोस्तों, तो ये ऊर्ध्वपातन होगा यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वायु से नमी को अवशोषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? तो क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, नियाद्रीकरण कहलाती है। नियाद्रीकरण यानी बी नंबर दोस्तों, नियाद्रीकरण कहलाती है। नेक्स्ट 32 का देखिए, सामान्यतः पदार्थ की अवस्था को भौतिक वर्गीकरण में डैश अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है। किस अवस्था को नहीं किया जाता है दोस्तों? कोलाइडल को नहीं किया जाता है, याद रखिएगा कोलाइडल को। नेक्स्ट है, विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन मिश्रण का गुणधर्म नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? तो ये जो 3 नंबर है इसकी संरचना निश्चित है, ये नहीं है, बाकी सब है। वो देखिए, मिश्रण के घटक अपने गुणधर्म को बनाए रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। भौतिक विधियों द्वारा इसे पृथक किया जाता है, तो किया जा सकता है दोस्तों, बिल्कुल किया जा सकता है। इसका निर्माण 2 या अधिक घटकों या यौगिकों द्वारा होता है, ये भी किया जाता है दोस्तों, लेकिन इसकी संरचना निश्चित होती है, ऐसा नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 12 डिग्री सेल्सियस पर तो ये द्रव होगी दोस्तों, तो याद रखिएगा द्रव होगी। आपको हम बता दूं दोस्तों, देखिए जल की जो प्रकृति होती है दोस्तों, जब जल को हम लोग गर्म करते हैं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों, जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पर आता है जल दोस्तों, तो वो याद रखिएगा उसका घनत्व सर्वाधिक हो जाता है, फिर घनत्व घटने लगता है दोस्तों। क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है दोस्तों, जबकि न्यूनतम होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व, याद रखिएगा। और आयतन दोस्तों, आयतन अधिकतम होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का, आयतन अधिकतम होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, न्यूनतम होता है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये दोनों पॉइंट को आप अच्छी तरह से दोस्तों याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? निस्यदन। क्या होगा? निस्यदन। देखिए पंकिल जल से पानी निकालने के 2 तरीके होते हैं दोस्तों, एक तो वाष्पीकरण होते हैं, दूसरा निस्यदन होते हैं दोस्तों। निस्यदन वह प्रक्रिया होता है दोस्तों जिसमें ठोस कणों को किसी द्रव या गैसीय पदार्थ में से फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक किया जाता है, याद रखिएगा। वह
ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है, ये तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, CO2 हो जाएगा इसका आंसर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मिश्र धातु नहीं है, मिश्र धातु यानी एलॉय नहीं है दोस्तों, को नहीं है, तो ये जिंक नहीं है। आपको बता दूं जिंक का पीएच वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 30 होती है जिंक का पीएच वैल्यू, बाकी किसी का सॉरी एटॉमिक नंबर 30 होती है दोस्तों जिंक का, जिंक का 30 होता है। ये ब्रॉन्ज हो गया दोस्तों, ब्रास हो गया, स्टील हो गया, ये सभी मिश्र धातु है दोस्तों, लेकिन जिंक मिश्र धातु नहीं है, ये एक तत्व है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके आपको आंसर देनी है, क्या इसका आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अभी कथन है, बारूद एक मिश्रण का उदाहरण है, बिल्कुल दोस्तों एक मिश्रण का उदाहरण है बारूद, बारूद के अवयव एक निश्चित अनुपात में उपस्थित नहीं होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, नहीं होते हैं। देखिए ये भी बारूद दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी दोनों कथन तो सही है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिए ए और आर दोनों सही है दोस्तों, और आर ए की सही व्याख्या करती है दोस्तों, यानी एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है दोस्तों, कौन सा अम्ल बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों, कौन सा अम्ल हो जाएगा, बिल्कुल HCl हो जाएगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे दोस्तों हम लोग अपने पेट में रखते हैं, यानी पेट में कौन सी अम्ल होती है, HCl होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यही जीवाणुओं को मारता है दोस्तों, यानी नाश करता है। नेक्स्ट है, आर्थोबोरिक अम्ल को लाल गर्म करने पर निम्न अवशेष रहता है, क्या अवशेष रहेगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए मेटाबोरिक अम्ल यानी HBO2 हो जाएगा, HBO2 हो जाएगा दोस्तों। वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती है क्या, ये सामान्यतः होती है दोस्तों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है दोस्तों, आपको पता ही है नाइट्रोजन 78% पाई जाती है दोस्तों अप्रोक्स में, और ऑक्सीजन अप्रोक्स में 21%, यानी ऑक्सीजन होती है दोस्तों कितना 20.93% होती है दोस्तों, लेकिन अप्रोक्स में कहा जाता है 21% ऑक्सीजन होती है हमारे वातावरण में। पीतल किसका मिश्र धातु है दोस्तों, इसका हम लोग अभी देखिए ट्रिक देते हैं, याद रखिएगा पिताजी, याद रखिएगा दोस्तों पिताजी, पिताजी अगर आप याद रखिएगा दोस्तों, याद तो होगा ही, तो बिल्कुल पीतल का मिश्र धातु हो जाएगा दोस्तों, पीस हो गया पीतल, तास हो गया तांबा, अजोस हो गया दोस्तों जस्ता, तांबा और जस्ता के मेल से बनता है दोस्तों क्या, पीतल, यानी इसका आंसर होगा 3 नंबर। तांबा का एटॉमिक नंबर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 29 कॉपर का, और जस्ता का कितना हो जाएगा दोस्तों, 30। नेक्स्ट है, पीतल कांसा जर्मन सिल्वर में कौन समान मात्रा में पाया जाता है बताइए, तो तांबा दोस्तों समान मात्रा में पाया जाता है, पीतल में भी पाया जाता है, कांसा में भी पाया जाता है तांबा, जर्मन सिल्वर में भी तांबा पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है, अभी जस्ट हम लोग चर्चा की है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का दोस्तों। एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात, सिंपल सा एक्वारेजिया पूछा है दोस्तों, अगर दे देता कैसे HCl और HNO3, ये नहीं दिया है तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जो फार्मूला होता है HNO3 होता है फार्मूला, HNO3 देखिए नहीं चलता है, HNO3 प्लस 3HCl होता है दोस्तों एक्वारेजिया का, यानी 1:3 होती है दोस्तों इसका अनुपात, 1:3, एक तो होगा HNO3 और 3 होगा दोस्तों HCl, याद रखिएगा। नेक्स्ट, गण धातु एक मिश्र धातु है किसका, किसका यह एक मिश्र धातु है गण धातु बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 46 का, तो बिल्कुल कॉपर टीन और जिंक होता है, कॉपर टीन और जिंक होता है दोस्तों, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है और टीन का दोस्तों ये SN टीन का कितना होता है दोस्तों, टीन का 50 होता है दोस्तों, 50 होता है, जिंक का 30 होता है एटॉमिक नंबर, सभी का आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, एसिड अम्ल बदलता है, अम्ल बदलता है क्या बताइए, तो ये हो जाएगा नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्ल, आप ट्रिक लिखिएगा याद दोस्तों, अनिला, अनिला, ये जो अनिला होता है दोस्तों वस हो गया अम्ल, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है दोस्तों, अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और अम्ल और क्षारीय दोस्तों क्षारीय लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उल्टा होता है इसका, बिल्कुल रिवर्स। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल पर आयरन तथा ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व पाया जाता है, पृथ्वी तल पर दोस्तों, अभी जस्ट हम लोग भूपटल के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, बिल्कुल सिलिकॉन पाया जाता है दोस्तों, सिलिकॉन। नेक्स्ट है,
जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है जल में, तो वो है दोस्तों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे कम घुलनशील होती है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होगी कैसी, कैसी होगी तो क्षारीय होगी दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड क्षारीय यानी NH3Cl। मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए, मानव निर्मित तत्व दोस्तों तो वो होगी दोस्तों कैलिफोर्नियम। कैलिफोर्नियम कार्बन सोना चांदी कैल्शियम आदि प्रकृति निर्मित है तत्व है दोस्तों। कार्बन सोना चांदी कैल्शियम ये क्या है, ये प्रकृति से डायरेक्ट रूप से हमें मिलता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, सोना का दोस्तों कितनी होती है 79 एटॉमिक नंबर होता है, कैल्शियम का 20 होता है दोस्तों एटॉमिक नंबर, याद रखिएगा। जबकि कैलिफोर्नियम ये एक मानव निर्मित तत्व है। निम्नलिखित किनके घुलनशील लवणों के कारण जल में कठोरता पाई जाती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण दोस्तों जल में कठोरता पाई जाती है। निम्नलिखित तीन तत्वों का मिश्र धातु से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, बताइए कौन से वो तत्व हैं दोस्तों, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2 नंबर, यानी लोहा। लोहा कार्बन और क्रोमियम को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। लोहा लोहा क्रोमियम लोहा कार्बन और क्रोमियम को मिला के क्या बनाया जाता है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। अच्छा क्रम से पूछा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली, एलुजेल गोली यानी एलुजेल टेबलेट्स में क्या होता है, तो क्या होता है तो एलियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। सांस लेने के लिए गहरे समुद्र में गोताखोर डैश के मिशन का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। कहीं कहीं आपको ऑक्सीजन और हीलियम भी मिलेगा दोस्तों, लेकिन ये क्या गहरा बिल्कुल बहुत ही गहरे अगर जाएगा दोस्तों तो नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे वो, अगर थोड़ा बहुत जाएगा तो उसमें हीलियम रहता है दोस्तों। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु में एक क्या है, वायु क्या है, देखिए दोस्तों ये तो आप सिंपल सा जानते ही हैं दोस्तों, वायु तो एक मिश्रण है और पीतल मिश्र धातु है, क्योंकि पीतल में तांबा और जस्ता होता है और वायु में दोस्तों ढेर सारी गैस होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ढेर सारी गैस होता है, इसीलिए मिश्रण होगा। और याद रखिएगा यौगिक के जिसमें अनुपात के रूप में हो, मिश्रण जिसमें दोस्तों दो या दो से अधिक हो वो मिश्रण ही कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों सीमेंट कहलाता है, याद रखिएगा सीमेंट। अमलगम पारद मिश्रण है किसका, अमलगम तो ये मिश्र धातु जिसमें एक तत्व के रूप में पारा मौजूद है वो होता है दोस्तों। पारा यानी अमलगम का क्या, पारा का एटॉमिक नंबर 80 होता है दोस्तों Hg का, मरकरी का। कार्बोजेन एक मिश्रण है किसका, कार्बोजेन तो कार्बोजेन CO2 और O2 का मिश्रण होता है दोस्तों कार्बोजेन। निम्नलिखित में से कौन पायरेक्स ग्लास का मिश्रण है, पायरेक्स ग्लास का मिश्रण है दोस्तों तो क्या है, तो बेरियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट, बेरियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट यानी 4 नंबर। कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें होता है क्या, कांसा है ना दोस्तों तो इसमें क्या होगा, कॉपर और टीन होगा, कॉपर और टीन होगा दोस्तों, याद रखिए कॉपर और टीन। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है दोस्तों, टीन का एटॉमिक नंबर 50 होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं 50 होता है दोस्तों। सीसा का कितना होता है दोस्तों, लेड का 82 होता है। बफर विलयन का एक उदाहरण है, बफर विलयन देखिए बफर विलयन हो जाएगा दोस्तों एसिटिक एसिड एवं क्या है, देखिए दोस्तों CH3COONA, ये तो बेंजो एट आ गया दोस्तों, CH3COONA हो जाएगा। देखिए दोस्तों बफर सॉल्यूशन का, बफर सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों, वह विलयन जो कि अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपनी प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है, उसे ही बफर सॉल्यूशन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और CH3COOH क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि CH3COONA जो है दोस्तों यह सोडियम एसिटेट होता है एक तरह से। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए तो ये हो जाएगा बिल्कुल कौन सा कथन सही है, 63 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, 63 का आंसर हो जाएगा, 63 है ना, 63 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है, जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है, ये तो यौगिक है ही, यौगिक जिसमें दोस्तों अनुपात के रूप में हो ये यौगिक होगा, यानी 2 नंबर हो जाएगा दोस्तों, 2 में दिया है सी। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है क्या, क्या उत्पन्न करती है, लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है दोस्तों, लवण और हाइड्रोजन। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, किसका एक उदाहरण है, ठोस विलयन का उदाहरण है दोस्तों मिश्र धातु।
यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना होगी? तो ये होगी दोस्तों 6, याद रखिए 6। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, देखिए क्या है, समझिए अच्छी तरह से। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस पत्र है दोस्तों और वो लाल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, नीला है लाल में कर देता है, तो इसका पीएच वैल्यू क्या होगी? नीला को लाल में कौन करेगा दोस्तों? अम्ल ही तो करेगा ना दोस्तों, अम्ल करेगा। अनिला अभी जस्ट ट्रिक दिए ना दोस्तों, अनिला, ये जो अनिला होती है दोस्तों, देखिए अनिला जो होती है अनिला, ये अनिला अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी इसका 7 से कम पीएच वैल्यू होगा, यानी 4 नंबर। नेक्स्ट है 67 नंबर, देखिए डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो ये उदासनीकरण होगा, जाओ क्या होगा दोस्तों, उदासनीकरण प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट, ताप बढ़ने पर सभी पदार्थों की विलयता यानी सोल्युबिलिटी क्या होगी दोस्तों? ताप बढ़ने पर तो क्या होगा, कुछ पदार्थों की बढ़ती है और कुछ पदार्थों की घटती है दोस्तों। 68 का हो जाएगा 4 नंबर, याद रखिएगा। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है? निष्क्रिय यानी वो उदासीन होगा दोस्तों, बताइए, तो ये 7 होगा। निष्क्रिय मतलब वो रिएक्शन नहीं करेगा, 7 दोस्तों। दूध खट्टा होने में कौन सा अम्ल बनता है? दूध है तो वही होगा दोस्तों जो आप लोग सोच रहे हैं, यानी लैक्टिक एसिड होगा, और क्या, कुछ नहीं हो सकता है, दूध में तो लैक्टिक एसिड ही होता है दोस्तों। मक्खन में ब्यूट्रिक एसिड होता है। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है क्या? क्या होता है? तो ये साइट्रिक अम्ल होता है दोस्तों। नींबू और संतरे में, खट्टे पदार्थ में अक्सर साइट्रिक एसिड ही होता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, 20 लीटर मिश्रण में 60% अल्कोहल है, कितना लीटर पानी और मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 30% अल्कोहल हो जाएगा? इसको हम लोग ऐसे ही उड़ा देंगे दोस्तों। देखिए 20 लीटर में 60% अल्कोहल है, ठीक है, तो ये 30% अल्कोहल हमको करना है दोस्तों उस मिश्रण में, तो ये 20 के स्थान पर हम लोग 40 कर देंगे दोस्तों, तो ये बिल्कुल आधा नहीं हो जाएगा, ये बिल्कुल आधा हो जाएगा दोस्तों, यानी 30% अल्कोहल हो जाएगा। तो क्या मिलाएंगे हम लोग? पानी ही तो मिलाएंगे, तो अल्कोहल तो नहीं मिलाएंगे दोस्तों। तो ये जो 20 से 40 हम लोग क्या हुआ, कैसे हुआ, इसमें 20 जोड़े ना दोस्तों, तो यही 20 क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी 20 हो जाएगा इसका, 20 लीटर पानी हम लोग मिलाए, तो ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे एलिगेशन में इसको अच्छी तरह से हम बताएंगे दोस्तों। 74 नंबर है, चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटियों में दोस्तों याद रखिए मेथेनोइक अम्ल, या फिर हम लोग उसी को कहते हैं फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मूला होता है HCOOH दोस्तों, यही हुआ फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल, इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चाय में याद रखिएगा टेनिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित पदार्थों जिसमें केवल एक ही तत्व होते हैं वह क्या कहलाते हैं? एक ही तत्व होते हैं दोस्तों, वो तो हीरा है, हीरा वो तत्व ही है दोस्तों, उसमें एक ही तत्व पाया जाता है हीरा में, वो तत्व कहलाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? पदार्थ है तो वो हीरा ही है दोस्तों, याद रखिएगा हीरा ही है जो सबसे कठोर होता है। दिए गए विलयन में पीएच पर विचार करें, किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता है? उच्चतम सांद्रता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है और अच्छी तरह से इसको बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों। देखिए आपको पहले हम बता दूं, किसी विलयन या विलायक की इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं दोस्तों, ठीक है, और 2.4 विलयन में हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता होगी दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार 2.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोटासियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः डैश में होता है, किस में होता है? तो रासायनिक खाद में होता है दोस्तों पोटासियम नाइट्रेट का प्रयोग, यानी KNO3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन क्षार का गुण नहीं है? कौन क्षार का गुण नहीं है दोस्तों? ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ये क्षार का गुण नहीं है, याद रखिएगा। ये मोटी सामग्री को विघटित कर देते हैं, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। और ये लाल लिटमस को लाल कर, देखिए लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिल्कुल दोस्तों क्षार उल्टा करता है, जैसे अम्ल करता था नीला लिटमस को लाल कर देता था, तो क्षार करेगा क्या, लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये फिसलन युक्त साबुन जैसे होते हैं दोस्तों, ये सभी सही है। नेक्स्ट 81 नंबर, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड डैश के साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी दोस्तों NaOH, बताइए क्या होगा आंसर? तो ये हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तरह, HCl की तरह दोस्तों।
याद रखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का एक प्रमुख वो कार्बनिक अम्ल है दोस्तों। वस्तुतः हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आप लोग तो जानते ही हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का है दोस्तों बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, बेकिंग सोडा NaHCO3 × 10H2O होता है, NaHCO3 × 10H2O होता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, याद रखिएगा। बेकिंग सोडा NaHCO3 × 10H2O सोडियम बाइकार्बोनेट। सोल्डर डैश मिश्रण है, सोल्डर किसका मिश्रण होता है, तो ये होता है दोस्तों PB और SN यानी दोस्तों सीसा और टीन का, सीसा और टीन का होता है। सीसा का एटॉमिक नंबर दोस्तों 82 होता है दोस्तों, टीन का होता है 50 एटॉमिक नंबर, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जब सोडियम कार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा होता है, तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है दोस्तों। क्यों नहीं होता है वो समझिए अच्छी तरह से। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है दोस्तों, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, तांबे और जस्ता के साथ कहाँ से बनाने के लिए डैश तत्व जोड़ा जाता है, कहाँ से बनाने के लिए यानी दोस्तों कांसा बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा बिल्कुल SN यानी टीन को मिलाया जाता है। याद रखिएगा कांसे के निर्माण के लिए कॉपर, जस्ता यानी जिंक या फिर टीन का मिश्रण बनाया मिलाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये कांसा में जो होता है दोस्तों कॉपर और टीन होता है, कॉपर और टीन होता है, और पीतल जो होता है दोस्तों ये तांबा और जस्ता मिलकर पीतल बनता है, याद रखिएगा, तो टीन हो जाएगा इसका आंसर। टार्टरिक एसिड किसका एक घटक है, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड बेकिंग पाउडर का एक घटक है दोस्तों, बेकिंग पाउडर। टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, C4 होता है, C4H6 और O6 होता है, ये टार्टरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है दोस्तों। बेकिंग पाउडर का एक घटक है ये, और यह इमली में पाया जाता है दोस्तों टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट, जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है, बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा बेरियम सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट, यानी BaSO4 बनता है दोस्तों। तांबे सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाया जाने पर डैश विस्थापित होता है, क्या विस्थापित होता है, तो तांबा दोस्तों विस्थापित हो जाएगा, तांबा। तो 88 का राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, तांबे सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाया जाने पर तांबा विस्थापित हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। शीतल पेय में शामिल है क्या, शीतल पेय में क्या शामिल होता है, कार्बोनिक एसिड दोस्तों शामिल होता है, कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3, ये हुआ कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट, सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है, अभी जैसे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो ये होगा हाइड्रोजन, अगर वो एसिड है दोस्तों तो उसमें हाइड्रोजन 100% होगा। नेक्स्ट, तो क्या अम्लीय के आधार पर कौन सा सही है वो बताइए, कौन सा सही है, जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है, ये बिल्कुल सही है, यानी 2 नंबर हो जाएगा आंसर दोस्तों। आपको याद रखनी चाहिए जलीय अवस्था में अम्ल H+ आयन देते हैं दोस्तों, जो विद्युत संचालन में सहायता होता है, H+ आयन देते हैं। नेक्स्ट, वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ऑल्फैक्टरी संकेत कहते हैं, ऑल्फैक्टरी संकेत। वह वस्तुएं जिनकी गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलती हो उन्हें ऑल्फैक्टरी संकेत कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या फिर गलत नहीं है, बताइए, गलत नहीं है यानी दोस्तों वह सही है, बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए अच्छी तरह से समझिए। अच्छा, कथन के बारे में दिया गया है, इसको समझना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, ए एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में आयनित हो जाता है, वह H- आयनों का बड़ी मात्रा में उत्पन्न करती है, ये तो सही है ही दोस्तों। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, H1O3 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। और बी में दिया गया है एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाता है, वह H+ आयनों की कम मात्रा में उत्पन्न करता है, ये भी सही है दोस्तों। यानी ऑप्शन के लिए हो गया ये एसिटिक एसिड और H2CO3 कार्बोनिक एसिड और H2SO4,
यानी दोस्तों कार्बोनिक सल्फाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही है दोस्तों, बिल्कुल ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन दोस्तों अमोनियम क्लोराइड का किया जा सकता है, यानी NH4Cl का किया जा सकता है। जल में अम्ल की मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में 5 कमी हो जाती है? बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों तनुकरण। याद रखिएगा प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में वृद्धि सांद्रीकरण और आयनों की सांद्रता में कमी को क्या कहेंगे? तनुकरण। अगर वृद्धि होगा तो उसे सांद्रीकरण कहेंगे, कमी होगा तो तनुकरण कहेंगे दोस्तों, यानी डिल्यूशन कहेंगे, डिल्यूशन बोल सकते हैं हम लोग। तीन आयनों एक्स वाई जेड के पीएच का मान 2, 11 और 7 है, ठीक है, उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। क्या होगा आंसर इसका दोस्तों? तो इसका आंसर होगा एक्स वाई जेड, सिंपल सी सिंपल में दिया गया है, यही हो जाएगा दोस्तों एक्स वाई जेड, यानी दो नंबर होगा आंसर इसका। देखिए पीएच मूल्य एक संख्या होती है दोस्तों जो पदार्थ को अम्लीयता और क्षारीय को प्रदर्शित करती है। इसका मान हाइड्रोजन आयन एच प्लस आयन के सांद्रता के व्युत्क्रम लघुकरण के बराबर होता है दोस्तों। तीन विलयन एक्स वाई जेड के पीएच मान 2, 11, 7 है दोस्तों। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अनुसार इनका अवरोही क्रम हो जाएगा एक्स वाई जेड ही हो जाएगा, नहीं सर सॉरी एक्स वाई जेड नहीं होगा दोस्तों, एक्स जेड वाई हो जाएगा, एक्स जेड वाई हो जाएगा। बिल्कुल इसको सही कीजिएगा तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल बीच में आएगा ना दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल क्या है? सबसे दुर्बल अम्ल क्या है ऑप्शन के अनुसार? बेंजोइक अम्ल दोस्तों सबसे दुर्बल है। बेंजोइक अम्ल का फार्मूला होता है C6H5COOH, यानी दोस्तों इसको हम लोग एलिफेटिक कंपाउंड में अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये होगा बेंजोइक अम्ल, COOH होता है दोस्तों, और सभी जगह ये कार्बन है आपको पता ही है दोस्तों, यानी यहाँ भी है, 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 और उसके बाद H है यहाँ पे, यहाँ भी H है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी C6H5 यहाँ तो एक ही टू है, C6H5COOH इसका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? बेंजोइक अम्ल दो नंबर। नेक्स्ट, MgO का विलयन होता है क्या? MgO का विलयन क्या होता है? तो वह क्षारीय होता है दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्षारीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है वो बताइए, कौन सा सही नहीं है? देखिए धीमा उदासनीकरण अर्थात एसिड प्लस बेस H2 प्लस साल्ट ये तो है ही नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है, उसको हम लोग देख लेते हैं, गलत को ढूंढना था तो एक नंबर इसका गलत है, बाकी सब सही है। H2 CO2 और लवणों का उत्पादन करने के लिए धातुओं और बायकार्बोनेट्स के साथ अभिक्रिया करते, ये तो बिल्कुल सही है। और जलीय माध्यम तरल अवस्था में एच प्लस का निर्माण करते, ये भी सही है। और स्वाद में ये खट्टे होते दोस्तों, ये भी सही है। नेक्स्ट 100 नंबर देखिए, निम्न में से कौन एक जैविक अम्ल है? जैविक अम्ल कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों, यह एक जैविक अम्ल है, याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है COOH और इसको हम इसी तरह लिखते हैं COOH, ये हो गया ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सार्वभौमिक संकेतक के बारे में सही नहीं है वो बताइए, कौन सा सही नहीं है? देखिए एक सार्वभौमिक संकेतक कई अलग अलग संकेतों या रंगों का मिश्रण है जो पूरे पीएच पैमाने विभिन्न पीएच मानों पर समान रंग देते हैं, ये तो गलत है, अलग अलग नाम रंग देते हैं दोस्तों, बाकी सब सही है। लिटमस की तरह एक सार्वभौमिक संकेतक को या तो विलयन या पेपर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। पदार्थ कैसे अम्लीय या क्षारीय है इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक सार्वभौमिक संकेतक का उपयोग किया जाता है दोस्तों, यह भी सही है। पानी सार्वभौमिक संकेतों को 7 हरा रंग बनाता है दोस्तों, यह भी सही है। तो गलत था एक नंबर, सिर्फ गलत को ही ढूंढना था। नेक्स्ट, पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है और इसमें पी का क्या अर्थ होता है? पी का क्या अर्थ होता है दोस्तों? देखिए पी का अर्थ होता है दोस्तों, याद रखिए पोटेंज, यानी जिसका जर्मन में अर्थ शक्ति पावर होता है दोस्तों। पीएच वैल्यू का पीएच वैल्यू का क्या फुल फॉर्म हुआ दोस्तों? तो याद रखिएगा ये पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, यानी याद रखिए दोस्तों शक्ति यानी पावर होता है ये। लिटमस विलयन एक बैगनी डाई है, ठीक है, जैसे डैश से निकाला जाता है, ये किससे निकाला जाता है दोस्तों? तो क्या होगा ये हो जाएगा दोस्तों, मतलब काई यानी लाइकेन से निकाला जाता है,
काई यानी लाइकेन से निकाला जाता है। लिटमस लाइकेन से निकाले जाने वाली डाई का मिश्रण है दोस्तों, जो पानी में घुलनशील होता है और लिटमस की मदद से क्षार तथा अम्लों की पहचान की जाती है। जैसे लिटमस अगर देखिए दोस्तों, नीला है लाल में बन जाएगा तो वो अम्ल हो जाएगा, और याद रखिएगा लाल है नीला में बन जाएगा दोस्तों तो वो क्षार हो जाएगा। बिल्कुल इसी से तो हम लोग निकालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अधिक अम्लीय होगा, ऑप्शन के अनुसार बताइए। तो ये जो पीएच वैल्यू जो जीरो होगा जिसका, ये अधिक अम्लीय होगा। जिसका पीएच वैल्यू जितना कम होगा दोस्तों वो अधिक क्या होगा, अम्लीय होगा। निम्नलिखित में से भिन्न को चुने, भिन्न को चुन के आपको आंसर देनी है, क्या आंसर होगा देखिए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, पीतल, ब्राज। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि दोस्तों सभी क्या है ये जितनी भी दिया गया है सभी तत्व हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है दोस्तों, लोहा का 26 होता है, तांबा का 29 होता है एटॉमिक नंबर, याद रखिएगा। और ये जो पीतल है इसमें तांबा और जस्ता होता है दोस्तों, यानी इसका राइट आंसर होगा तीन नंबर। सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस क्या है, ड्राई आइस क्या है तो याद रखिएगा, ये जो ड्राई आइस होता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, सी नंबर होगा। यानी दोस्तों यहाँ देखिए एक और ऑप्शन दिया है, सी किस में है, सी है दोस्तों चार में सी है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दूध में समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में वसा गोलियों या गोलिकाओं के आकार यानी दोस्तों क्या नाम है, ग्लोबल्स साइज को कम करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है तो देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है इसको समझिए, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसे कहेंगे हम लोग होमोजेनाइजेशन कहेंगे, यानी सी नंबर। इसका राइट आंसर होगा तीन का सी दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों को भरें, तो नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, और डैश लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। देखिए नीले रंग में बदलेगा क्षार, यहाँ तो हो जाएगा दोस्तों क्षार, क्या होगा क्षार, और ये देखिए यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा अम्ल हो जाएगा दोस्तों अम्ल, ये जो अम्ल होता है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, और दोस्तों क्षार क्या होता है, क्षार क्या होता है दोस्तों, यहाँ क्षार होगा, क्षार जो होते हैं यो वो नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा 108 का दो नंबर, अम्ल क्षार और हरा, अम्ल क्षार और हरा, नहीं दोस्तों ये नहीं होगा, ये गलती है। तो इसका अच्छा एक और ऑप्शन दिया गया है, तो देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर, अम्ल क्षार लाल। आपको हम बता दूँ देखिए दोस्तों, ये जो होता है अगर हम लोग अम्ल देंगे, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदलता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, और यहाँ क्षार देंगे, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देगा, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देगा। तो ऑप्शन में दिया गया दोस्तों चार नंबर में, अम्ल क्षार लाल, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों ये क्या होगा, दो नंबर याद रखिएगा। और यहीं पर दोस्तों ये पहला चैप्टर कम्प्लीट हो जाता है, इसका आंसर देख लीजिए और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस चैप्टर में आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर दो, जिसमें मोल सिद्धांत, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। यौगिक संयोग करने वाले तत्व द्रव्यमान अनुपात दिया गया है। देखिए द्रव्यमान अनुपात पता करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले याद करनी पड़ेगी सभी तत्वों का एटॉमिक मास, याद रखिए एटॉमिक मास अगर आपको पता है तभी आप द्रव्यमान अनुपात निकाल पाइएगा। देखिए ये जल है, जल का फॉर्मूला होता है H2O, याद रखिएगा। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है दोस्तों, जिसमें हाइड्रोजन का पता करना पड़ेगा दोस्तों क्या इसका एटॉमिक मास होता है, और ऑक्सीजन का, याद रखिएगा हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का 16 होता है। कितनी यहाँ हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है दोस्तों, तो एक गुना दो हो जाएगा दोस्तों। रेशियो ऑक्सीजन कितनी है, एक ठो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है दोस्तों 16, बस इसी को कटाना है बस आ जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा एक अनुपात आठ हो जाएगा इसका आंसर, याद रखें। इसी तरह आगे भी करेंगे, जैसे अमोनिया होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है दोस्तों NH3, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है दोस्तों, नाइट्रोजन कितना है, एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है दोस्तों 14, ठीक है। रेशियो हाइड्रोजन कितनी है यहाँ दोस्तों, तीन हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का होता है एक, तो तीन हाइड्रोजन का तीन होता है दोस्तों, सिंपल सी, तो 14:3 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। सेम उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2 होता है दोस्तों, और याद रखिए इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है दोस्तों, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12,
12 होता है दोस्तों, और उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ दो है, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, दो है तो हो जाएगा दोस्तों 32, 16 दूनी 32, इसको कटाएंगे बस आ जाएगा दोस्तों, 4 से कट रहा है, 4 तिया 12 और 8 चौके 32, 8 चौके 32, तो 3:8 हो जाएगा दोस्तों, 3:8 हो जाएगा, यही दिया गया है। इसी तरह हम लोग निकालते दोस्तों द्रव्यमान अनुपात, याद रखिएगा एक बात ध्यान देनी है दोस्तों, किसी पदार्थ का द्रव्यमान उस यौगिक के सूत्र इकाई में विद्यमान सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का कुल योग होता है दोस्तों, चाहे वह अणु हो या फिर नहीं हो। अब हम लोग दोस्तों कुछ फार्मूला है जिसे आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी, और यही फार्मूला अगर याद रहेगा दोस्तों तो आपको बिल्कुल आगे न्यूमेरिकल इसी पर हम लोग बनाएंगे। जैसे मोल की संख्या अगर पूछा गया होगा तो दिया गया होगा उसमें दोस्तों द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, याद रखिएगा, तो मोल की संख्या बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, याद रखिएगा। द्रव्यमान संख्या अगर इसी में आपको पता करनी पड़ेगी तो मोलर द्रव्यमान गुना मोल की संख्या हो जाएगा, बिल्कुल ये दोस्तों रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट मोल की संख्या अगर पता करना पड़ेगा दोस्तों तो दिया गया द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, और इनटू कर देंगे दोस्तों एवोगाड्रो संख्या, एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 × 10⁻², या कहीं कहीं होता है दोस्तों 6.022 × 10⁻², दोनों होता है, दोनों कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों एप्रोक्स में। परमाणु की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान इनटू एवोगाड्रो संख्या, याद रखिएगा। मोल की संख्या गैस में अगर पूछेगा तो गैस का आयतन एसटीपी या एनटीपी पर बटे दोस्तों 22.4 से आपको डिवाइड करनी पड़ेगी, बस आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट दिए किसी दिए गए पदार्थ के द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अगर आपको निकालनी होगी तो कुल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या इनटू एवोगाड्रो की संख्या इनटू पदार्थ की मात्रा करेंगे बटे दोस्तों पदार्थ के आणविक सूत्र द्रव्यमान करेंगे, तो आ जाएगा दोस्तों प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और एक फार्मूला जो ज़्यादा यूज होता है दोस्तों वो देख लीजिए आप अच्छी तरह से, वो फार्मूला दोस्तों मोल की संख्या, मोल की संख्या, मोल संख्या बराबर होता है पदार्थ का भार, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अनुभार, ये फार्मूला आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। और ये कणों की संख्या बराबर होता है दोस्तों कण के मोल की संख्या इनटू एवोगाड्रो संख्या, ठीक है। अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे इसी पर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अनियमित कपूर का छोटा टुकड़ा जब शुद्ध जल की सतह पर रखा जाता है तो वह जल की सतह पर घूमता है, ऐसा क्या क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि याद रखिएगा ये जो परमाणु होते हैं अविभाज्य कण होते हैं, अविभाज्य कण होते हैं परमाणु, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों जब कपूर जल में घुलता है तो उस स्थानीय जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से सबसे छोटा कौन है दोस्तों बताइए? इनमें सबसे छोटा है दोस्तों परमाणु, परमाणु इतना छोटा है दोस्तों कि इसे और आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। और ये इतना छोटा है दोस्तों कि ये स्वतंत्र अवस्था में भी नहीं रहता है दोस्तों परमाणु, लेकिन अणु, अणु इससे बड़ा है दोस्तों, मतलब एक से अधिक के परमाणुओं के मेल से दोस्तों अणु का निर्माण होता है, ये याद रखिएगा। कई सारे परमाणु मिलकर अणु बनता है, तो अणु ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, और परमाणु को दोस्तों हम विभाज्य नहीं कर सकते, यानी ये अविभाज्य कण होता है, याद रखिएगा, और ये उदासीन भी होता है। नेक्स्ट, परमाणु संख्या जेड एवं द्रव्यमान ए के एक परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? आपको हम बता दूं दोस्तों, परमाणु की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, बराबर होता है दोस्तों प्रोटॉन की संख्या, तीनों आपस में बराबर होता है दोस्तों, याद रखिएगा, तीनों आपस में बराबर होता है। अब देखिए, और एटोमिक मास दिया रहता है दोस्तों उसमें प्रोटोन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटोन और न्यूट्रॉन के योग से ही बनता है दोस्तों एटोमिक मास, याद रखिएगा। अब यहाँ दिया परमाणु संख्या, परमाणु संख्या द्रव्यमान ए के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या है दोस्तों जितनी परमाणु संख्या होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक नंबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन माना जाता है? कौन माना जाता है दोस्तों? तो याद रखिए, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता जॉन डाल्टन को माना जाता है, जॉन डाल्टन को, यानी दो नंबर हो जाएगा जॉन डाल्टन। नेक्स्ट, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, परमाणु किसी तत्व यौगिक या किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या है दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं H2 हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन में दोस्तों ये परमाणु की संख्या कितनी है? दो है, ये परमाणु की संख्या ही हुआ दोस्तों दो, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल परमाणुकता, क्या परमाणुकता दोस्तों, यानी चार नंबर, 5 का 4।
नेक्स्ट एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी आपको पता ही दोस्तों, तो इसका दोनों का योग होता है। एटॉमिक मास यानी दोस्तों द्रव्यमान संख्या अगर पूछा जाए तो प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की संख्या को हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या से ऐड कर देंगे दोस्तों तो द्रव्यमान संख्या आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए वही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 15 22 कितनी होती है दोस्तों, तो 15 22 याद रखिएगा 37 होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा 37 दोस्तों। नेक्स्ट नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान क्या होगा, क्या होगा तो सिंपल सी बात है दोस्तों 0.6 अणु है ना, 0.6 अणु है और नाइट्रोजन का पूछा गया है, सिंपल सी बात है दोस्तों इसको आपको नाइट्रोजन का N2 होता है नाइट्रोजन दोस्तों, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है कितनी, नाइट्रोजन का 14 होता है दोस्तों और 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितनी हो गया दोस्तों 28 हो जाएगा, 28 आ गया ये और 0.6 से इसको मल्टीप्लाई कर देनी है बस आ जाएगा, 28 को मल्टीप्लाई करनी है दोस्तों 0.6 से बस और कुछ नहीं दोस्तों, तो आ जाएगा इसका राइट आंसर 16.8 यानी ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों। याद रखिए आसान है, आप लोग घबराइएगा नहीं, केमिस्ट्री बहुत ही आसान है दोस्तों बिल्कुल, सिर्फ आप लोग सभी फार्मूला के बारे में एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर आपको पता करनी पड़ेगी और दोस्तों सबसे खास बात दोस्तों आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणुविक द्रव्यमान डैश के एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं, तो ये क्या होगा दोस्तों तो C12 के परमाणु के संबंध में पाए गए हैं। निम्न में से कौन एक परमाणुक है, परमाणुक है दोस्तों कौन सा एक परमाणुक है बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आर्गन एक परमाणुक है, आर्गन आपको बता दूं कि एक परमाणु के शब्द का प्रयोग नोबेल गैसों के लिए किया जाता है दोस्तों, ठीक है, और क्योंकि केवल यही गैसें सामान्य अवस्था में स्वतंत्र रूप से एक परमाणु के रूप में रह सकती है दोस्तों, आर्गन एक नोबेल गैस है याद रखें, जिसका एटॉमिक नंबर दोस्तों 18 होता है आर्गन का और नोबेल गैसों की संख्या 6 होती है दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट है आणविक सूत्र C8H6O4 और मूलानुपाती सूत्र 83 वाले यौगिक का मूलानुपाती सूत्र परिकलित कीजिए, क्या इसका करना होगा दोस्तों, सिंपल सी बात है दोस्तों अच्छी तरह से इसको देखिए, सिर्फ इतना में इतना से डिवाइड दे देनी है और सिर्फ आपको निकालना पड़ेगा इसका द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों, जैसे C8 है दोस्तों तो C का कितनी होती है एटोमिक मास 12 होता है दोस्तों, 12 × 8 हो जाएगा बस प्लस, और हाइड्रोजन का 1 होता है 1 × 6 यानी दोस्तों 6 हो जाएगा प्लस, ऑक्सीजन का 16 होता है दोस्तों 16 × 4 करेंगे 16 × 4 बटे हो जाएगा दोस्तों कितनी 83 वाले यौगिक 83 हो जाएगा, ये इतना डिवाइड कर देंगे बस आ जाएगा दोस्तों, बटे 96 हो जाएगा 96 6 और उसके बाद दोस्तों 16 × 64 हो जाएगा, इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों तो 166 आ जाएगा, 166 को हमें डिवाइड करनी पड़ेगी 83 से, जितना आंसर हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 83 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना, दो बार में ये बिल्कुल कट रहा है दो बार में तो सिर्फ इसका 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा दोस्तों बिल्कुल, अर्थात मूलानुपाती सूत्र इसका क्या होगा दोस्तों, अब ये देखिए 2 आ गया ना तो C4 हो जाएगा, C4 सभी का आधा हो जाएगा दोस्तों, C4H3 हो जाएगा और O2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा क्योंकि आधा आ गया है तो आधा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, आसान है दोस्तों आप लोग घबराइएगा नहीं, नहीं समझ में आएगा आप लोग रिपीट कीजिएगा आ जाएगा समझ में दोस्तों। 5 kg यूरिया द्वारा मृदा को नाइट्रोजन का लगभग कितना द्रव्यमान प्रदान किया जाता है, तो क्या होगा इसका आपको पता है, यूरिया का आणविक द्रव्यमान होता है दोस्तों 62 होता है दोस्तों, आप ये याद रखिएगा कितना होता है 62, आपको फार्मूला हम बता देते हैं दोस्तों आप लोग उसी पे निकालिएगा बस आ जाएगा, फार्मूला होता है CONH2 2 होता है दोस्तों, या हम लोग कह सकते हैं इसको NH2CONH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है, इसी को निकालिएगा तो सब मिला के आ जाएगा दोस्तों 62, ठीक है। अभी हम बता चुके हैं दोस्तों परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आणविक द्रव्यमान कितनी है 62 हो जाएगा इसमें, ठीक है, और उसके बाद दिया गया 5 kg यूरिया, 5 kg में दोस्तों 5000 ग्राम हो जाएगा, ग्राम में हम लोगों को पता करनी पड़ेगी, तो 5000 ग्राम हो जाएगा दोस्तों 5000 ग्राम, तो 62 kg यूरिया से 30 ग्राम नाइट्रोजन, इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा 5000 ग्राम यूरिया से नाइट्रोजन प्राप्त होगा कितनी, तो देखिए नाइट्रोजन तो ये हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों कितनी, तो 30 × 5000
बटे हो जाएगा 62, इसी को करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा कितनी, तो 241935 हो जाएगा। तो इसका आ जाएगा दोस्तों बिल्कुल फोर नंबर, याद रखिएगा, आसान है दोस्तों, बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह से देखिए। यदि ए का परमाणु द्रव्यमान 7 और बी का 39 है, सभी का परमाणु द्रव्यमान दिया है दोस्तों, तो सी का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा बताइए, क्या होगा? सिंपल सी बात है दोस्तों, ए 7 दिया है, बी 39 दिया है, बी 39 दिया है तो हमें क्या पूछा है दोस्तों, सी का पूछा है तो सिंपल सी बात है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों 39, तो 39, अच्छा ठीक है। देखिए दोस्तों, एम बी हो जाएगा बराबर एम ए होता है फार्मूला प्लस एम सी होता है, बटे हो जाएगा 2 दोस्तों, ठीक है। तो ये कितनी है दोस्तों, एम बी 39 इंटू 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोस्तों 7 प्लस एम सी, और एम सी के बारे में भी इसे ही हमें पता करनी पड़ेगी दोस्तों, बस कुछ नहीं, इसी को सॉल्यूशन कीजिए। 39 दूनी कितनी होती है 78, इधर प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 78 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों कितनी, तो ये हो जाएगा बिल्कुल 7 घटाएंगे तो 71, यही 71 हो जाएगा, ऑप्शन में है ही नहीं दोस्तों, ऑप्शन में नहीं है, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, तो अप्रॉक्स में इसका 3 नंबर आंसर आ जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, सोडियम कार्बोनेट, तो आपको फार्मूला पहले पता करनी पड़ेगी। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है दोस्तों Na2CO3 होता है, बस इसी को निकालिए, बस आ जाएगा Na2CO3 और आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो इसको निकालेंगे दोस्तों, देखिए क्या होगा, हम ऐसे निकालते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर सिंपल सा 106 हो जाएगा, 106 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा दोस्तों। तो कैसे देखिए, 22.9 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान है ना, 2 से प्लस हो जाएगा दोस्तों कार्बोनेट का 12 प्लस हो जाएगा कितनी 15 अप्रॉक्स में 16 दोस्तों, 16 गुना 3 करना पड़ेगा, इसी को निकालेंगे दोस्तों, तो अप्रॉक्स में कितनी आ जाएगा 105.9 ग्राम, 105.9 है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 106, 2 नंबर हो जाएगा। इसी तरह निकालते हैं दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान, सभी का द्रव्यमान इसी तरह निकालते हैं। नेक्स्ट, डैश को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो या इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान को किसी वस्तु की मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट 15 नंबर, डैश एक अणु में हेलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण है, तो क्या है, तो ये हो जाएगा वैद्युत या वैद्युतीय ऋणात्मक, क्या है, वैद्युतीय ऋणात्मकता एक अणु में हेलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण होता है दोस्तों। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है, ये तो सिंपल सी आपको याद होगा ही, बताइए क्या होगा, 40 होगा दोस्तों, क्योंकि इसका एटोमिक नंबर होता है 20, तो बिल्कुल दोस्तों ये हो गया 40 होता है इसका। नेक्स्ट, अणु शब्द से परिचय डैश द्वारा 1896 के आसपास कराया गया, किसके द्वारा दोस्तों, तो याद रखिएगा ये विलहम ऑसवर्ड के द्वारा किया गया, विलहम ऑसवर्ड। देखिए अणु शब्द को वर्ष 1896 ईस्वी में दोस्तों सर्वप्रथम विलियम ऑसवर्ड द्वारा प्रयोग किया गया था, ठीक है, और उसी ने खोजा था, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत बतलाया था, जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणु अणु नहीं है, कौन सा दोस्तों नहीं है, तो ये बिल्कुल P4 ये नहीं है दोस्तों, बाकी सब है, CO2 है, CH4 मीथेन है, NH3 अमोनिया है, लेकिन P4 नहीं है दोस्तों, P4 ये है ही नहीं, ये वाइट फास्फोरस एक तरह से है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु भार से की जाती है, किससे की जाती है, तो ये की जाती है दोस्तों कार्बन से की जाती है, कार्बन यानी दोस्तों 4 नंबर कार्बन से की जाती है। नेक्स्ट, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं कितने, ऑक्सीजन के परमाणु 3 होते हैं दोस्तों, 3 याद रखिएगा, 3 होते हैं, क्या ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनी एक गैस होता है दोस्तों, और यह प्राकृतिक रूप से कम मात्रा में ऊपरी वायुमंडल में पाई जाती है, और ओजोन से सूर्य जो निकलती है, ओजोन से जो ये ओजोन सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरण को दोस्तों रोक लेती है, यानी सोख लेती है और हमें बचाती है दोस्तों उससे, याद रखें, और इसका आंसर हम एक जगह दे देते हैं जिससे आपको दोस्तों करने में सुविधा होगी।
नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। सुपर फास्ट अप्रोच देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण भी कहते हैं, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण भी कहते हैं यानी इस पर निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन को एनोड किरण भी कहते हैं दोस्तों यानी इस पर प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश का मान बराबर होता है दोस्तों, लेकिन एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है और प्रोटॉन पर प्लस होता है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का मौलिक कण है जबकि न्यूट्रॉन सबसे भारी मौलिक कण है दोस्तों। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन हल्का हो जाएगा दोस्तों क्योंकि यह निगेटिव होता है, याद रखिएगा। प्रोटॉन अस्थायी कण है जबकि न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन वो अस्थायी कण है दोस्तों। प्रोटॉन अस्थायी कण होता है दोस्तों जबकि न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन वो अस्थायी कण होता है। भेदन क्षमता जो होता है इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्रोटॉन का होता है, प्रोटॉन से भी ज़्यादा न्यूट्रॉन का होता है दोस्तों। अब मूल कण इधर दिया गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके बाद आविष्कारक का नाम दिया गया, संकेत दोस्तों आवेश और द्रव्यमान, ये आप याद रखिएगा हमेशा, आगे हम लोग यूज करेंगे दोस्तों। जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज करता है दोस्तों थॉमसन, जे जे थॉमसन, और इसका संकेत होता है e, और आवेश होता है इस पर -1 यानी दोस्तों निगेटिव चार्ज होता है इस पर। द्रव्यमान होता है इसका, याद रखिएगा, 1/1840 इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का खोजकर्ता गोल्डस्टीन है दोस्तों, कौन है, गोल्डस्टीन। और प्रोटॉन का संकेत होता है पी और इस पर आवेश होता है दोस्तों प्लस चार्ज और ये एक एटॉमिक मास यूनिट होता है इसका द्रव्यमान। न्यूट्रॉन दोस्तों, न्यूट्रॉन का खोजकर्ता है चैडविक और संकेत इसका होता है छोटी एन और आवेश इस पर कुछ होता ही नहीं दोस्तों, 0 होता है। और द्रव्यमान जो है दोस्तों उदासीन होता है, ये द्रव्यमान इसका एक एटॉमिक मास यूनिट होता है। अब देखिए दोस्तों, ये आप हमेशा याद रखिएगा, परमाणु की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, तीनों आपस में क्या होता है दोस्तों बराबर होता है। जितनी परमाणु संख्या होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन होगी दोस्तों और उतनी ही प्रोटॉन की संख्या भी होगी। लेकिन न्यूट्रॉन अलग होता है दोस्तों, न्यूट्रॉन को पता करने के लिए आपको एटोमिक मास पता होनी चाहिए। द्रव्यमान संख्या अगर आपको निकालनी है तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या आप ऐड कीजिएगा तो द्रव्यमान संख्या पता हो जाएगी, यानी कैपिटल ए बराबर होता है पी प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नेक्स्ट ऑर्बिट देखिए, के एल एम एन ये ऑर्बिट होता है, के में एक होता है दोस्तों, एल में 2 होता है और एम में 3। देखिए ये ऑर्बिट संख्या दोस्तों, देखिए जैसे हम अभी जस्ट बताते हैं, देखिए दोस्तों ये ऑर्बिट हो गया 1, ये होता है के, क्या होता है दोस्तों के, उसके बाद दूसरा ऑर्बिट हो गया दोस्तों ये एल, ये एल होता है, तीसरा ऑर्बिट हो गया दोस्तों एम, ये एम होता है, चौथा ऑर्बिट हो गया दोस्तों एन, याद रखिए एन होता है चौथा ऑर्बिट। अब सभी में देखिए अच्छी तरह से, इसमें के में कितना होता है दोस्तों, के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है दोस्तों, 2। दूसरा में भी, दूसरा में कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 होता है, दूसरा में 8 होता है। और तीसरा में कितना होता है दोस्तों, 18 होता है तीसरा में, और चौथा में 32 होता है। इस तरह होता है दोस्तों के एल एम एन, के में 2 हो सकता है दोस्तों अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, एल में अधिकतम 8 रह सकता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और एम में अधिकतम दोस्तों 18 रह सकता है और एन में 32 रह सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये आपको पता हमेशा होनी चाहिए, आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे और इसी से बहुत ढेर सारा मतलब बनाएंगे दोस्तों न्यूमेरिकल। देखिए प्रोटॉन, आप ये ट्रिक भी याद कर सकते हैं दोस्तों, पेन आर टी सी, पेन आर टी सी यानी पीस हो गया पेन, आर्स हो गया दोस्तों रदरफोर्ड, आर्ट से रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोजकर्ता रदरफोर्ड है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता दोस्तों थॉमसन है, याद रखिएगा थॉमसन है, और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता क्या हो जाएगा दोस्तों चैडविक, यानी पेन आरटीसी, ऐसे याद होगा ही दोस्तों, प्रोटॉन की खोजकर्ता रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन दोस्तों, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता थॉमसन, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता जेम्स चैडविक। नेक्स्ट नोट, हाइड्रोजन बम का निर्माण अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है दोस्तों, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर, याद रखिएगा। आप एक ट्रिक देते हैं, जहां भी हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगा वहां दोस्तों संलयन होगा, ठीक है। तथा परमाणु बम का निर्माण यह अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है, परमाणु बम विखंडन पर आधारित है दोस्तों, अनियंत्रित विखंडन, और हाइड्रोजन बम संलयन पर आधारित है दोस्तों, अनियंत्रित संलयन। नेक्स्ट है सुपर फास्ट अप्रोच देखिए, जिरकोनियम यानी ZR एक ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन में भी जलते हैं और नाइट्रोजन में भी जलते हैं जिरकोनियम, एवं इसमें न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने का गुण पाया जाता है, इसलिए सभी नाभिकीय रिएक्टर में जिरकोनियम प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है सुपर फास्ट अप्रोच के बारे में देखिए, प्रायोगिक क्षेत्र
एवं अनुप्रयोग अनुसंधान के बारे में देखिए। कार्बन आयु गणन जीवाश्मों मृत जीव अथवा वनस्पति की आयु ज्ञात करने में किया जाता है दोस्तों। और यूरेनियम लेड आयु गणना जो होता है दोस्तों ये पृथ्वी एवं प्राचीन चट्टान की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। यानी कहा जा सकता है कार्बन डेटिंग विधि जो होता है दोस्तों जीवाश्म की आयु पता करने के लिए, यूरेनियम डेटिंग जो होता है दोस्तों वो पृथ्वी एवं चट्टानों का क्या उसका आयु पता करने के लिए, चट्टानों का आयु पता करने के लिए। नेक्स्ट रूबीडियम, ये रूबीडियम या स्ट्रॉन्शियम आयु गणना जो होता है ये चट्टानों एवं खनिजों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। पोटासियम आर्गन आयु गणना जो होता है दोस्तों ये भूगर्भीय चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों है दोस्तों, कार्बन डेटिंग विधि जीवाश्मों की आयु और यूरेनियम डेटिंग विधि दोस्तों पृथ्वी या फिर कह सकते चट्टानों का आयु। बस इतना तो याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों, आपको ये हमेशा याद रखनी पड़ेगी। 1s2s2p3s3p4s3d4p5s4d5p और 4f 5d 6p 7s, इसी तरह ये क्रम में आगे चलते रहता है दोस्तों। ठीक है, आपको पहले ही बता देते हैं s पर अधिकतम रह सकता है दोस्तों कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या, 2 हो सकता है s पर। और P पर अधिकतम रह सकता है दोस्तों 6, P पर कितनी 6 रह सकता है। D पर अधिकतम दोस्तों 10 रह सकता है, याद रखिएगा। F पर अधिकतम रह सकता है दोस्तों 14। अगर ये आपको ये भी पता है और ये भी फॉर्मूला दोस्तों अगर पता है आपको तो बिल्कुल हो जाएगा, सभी का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता कर लीजिएगा। और ये देखिए 1s 2s है ना, ऐसे आप लिख लीजिएगा सीरियल से 1s 2s, ठीक है, उसके बाद 3s 3p लिखिएगा, 4s 3d लिखिएगा दोस्तों, और इस तरह लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह हुआ है वहाँ 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p, इसी तरह आगे बढ़ते गया दोस्तों। यही फार्मूला पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा दोस्तों और याद कर लीजिएगा इसको, आगे हम लोग यूज करेंगे इसको। नेक्स्ट नोट, हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिकों के अलग अलग नाम है दोस्तों। बिल्कुल, पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व होता है, पोलोनियम याद रखिएगा 27 अप्रॉक्स में। नेक्स्ट, हाइड्रोजन का समस्थानिक ट्राइटियम यानी दोस्तों ट्राइटियम रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करती है। और हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है दोस्तों, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम यानी ट्रिटियम। देखिए प्रोटियम ये हो गया दोस्तों बिल्कुल, और ड्यूटेरियम होता है दोस्तों, ये हो गया ड्यूटेरियम। नेक्स्ट ट्राइटियम जो होता है दोस्तों ये रेडियो सक्रिय तत्व एक तरह से हो जाता है, ये इस तरह होता है ट्राइटियम, किस तरह 1H3 हो गया दोस्तों ये ट्राइटियम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ अच्छी तरह से बताया गया है, इसको समझिए। इस तरह जो लिखा हुआ रहता है दोस्तों, जैसे ये हीलियम हुआ, हीलियम से ये इधर 2 होता है इधर 4 होता है दोस्तों। ठीक है, ये क्या क्या होता है ये देखिए, ये जो 4 होता है दोस्तों ये चार एटोमिक मास होता है दोस्तों, और ये जो 2 होता है ना दोस्तों 2 ये एटॉमिक नंबर होता है 2, और एटॉमिक नंबर होता है 2 दोस्तों, और ये जो सिंबल होता है ना ये एलिमेंट का नाम होता है दोस्तों, एलिमेंट का नाम याद रखिएगा। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे, वो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक न्यूट्रॉन क्या होता है, एक न्यूट्रॉन पर जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के निकट लाया जाएगा तब कोई भी बल अनुभव नहीं करेगा दोस्तों, यानी 4 हो जाएगा। याद रखिए एक न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के निकट लाया जाता है तो कोई बल अनुभव नहीं करेगा दोस्तों बिल्कुल, क्योंकि वो उदासीन होता है न्यूट्रॉन। एक परमाणु के न्यूक्लियस में होता है क्या, परमाणु के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है दोस्तों, और इसी के योग को हम लोग क्या कहते हैं, एटोमिक मास कहते हैं, AMU एटॉमिक मास यूनिट। किसी कक्ष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निम्न के बराबर होता है, कोणीय संवेग किसके बराबर होता है दोस्तों, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया याद रखिएगा, NH/2π होता है, NH/2π होता है। बस नेक्स्ट, किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में हो को क्या कहेंगे, यह अस्तित्व में हो है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से वो अस्तित्व में हो, यानी दोस्तों बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में नहीं हो, स्वतंत्र अवस्था में कौन नहीं रहता है दोस्तों, परमाणु, यह अणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, यह भी सूक्ष्मतम कण है, लेकिन दोस्तों ढेर सारी अणु परमाणु मिलकर दोस्तों अणु का निर्माण करती है, यानी ये दोनों में दोस्तों सबसे छोटा हो जाएगा परमाणु, और परमाणु याद रखिए वो अस्तित्व में रहता है दोस्तों, यानी अस्तित्व में नहीं रहता है परमाणु, लेकिन ये जो अणु होता है ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है दोस्तों। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, ये रहते हैं नाभिक के भीतर दोस्तों हमेशा,
और इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं। समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं, समस्थानिक होंगे तो प्रोटॉन की संख्या या फिर हम लोग कह सकते हैं दोस्तों एटॉमिक नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहता है और एटॉमिक मास भिन्न भिन्न रहेगा दोस्तों। एक तत्व के परमाणु दूसरे सभी तत्वों के परमाणुओं से निम्नलिखित में से भिन्न होते हैं, क्या हो गया इसका आंसर, परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों भिन्न भिन्न होते हैं। बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अभी आपको जस्ट फॉर्मूला दिए हैं दोस्तों, 1s2s2p3s3p4s, इसी तरह दोस्तों उसी पर हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है, किसी तत्व में परमाणु भार डैश के कारण होता है, किसके कारण परमाणु भार होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग ही परमाणु भार होता है। तत्व में समस्थानिक का कि सदैव क्या होता है समस्थानिक का, तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या समान संख्या होगी या फिर प्रोटॉन की संख्या समान संख्या होगी या एटॉमिक संख्या दोस्तों समान होगी। नेक्स्ट है, क्योंकि तीनों बराबर होता है, निम्नलिखित में से मूल कण कौन सा नहीं है, मूल कण कौन सा नहीं है, तो ये अल्फा कण जो है दोस्तों मूल कण नहीं है, अल्फा कण, क्योंकि ये विखंडित हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है, कौन सा परमाणु का भाग नहीं है दोस्तों, तो ये फोटोन परमाणु का भाग नहीं है, तीन ही भाग होता है मुख्य रूप से न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, फोटोन तो ये प्रकाश का भाग है। नेक्स्ट है, परमाणु त्रिज्या की अभिव्यक्ति होती है, परमाणु त्रिज्या की अभिव्यक्ति किसमें होती है दोस्तों, तो ये होती है अंगस्ट्रम में, किसमें होती है अंगस्ट्रम में, परमाणु त्रिज्या की अभिव्यक्ति अंगस्ट्रम में होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, एक ही तत्व की समान परमाणु संख्या किंतु भिन्न परमाणु भार वाले परमाणु कहलाते हैं, क्या क्या कहलाते हैं दोस्तों, समस्थानी कहलाते हैं, समस्थानी। एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है, इस परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, सबसे पहले तो दोस्तों इसमें आपको के एल एम एन ओ पता करना पड़ेगा दोस्तों, के एल एम एन ओ, तो के में कितना होता है दोस्तों, दो, आपको बताए ना अभी दो होता है, देखिए दोस्तों के एल एम एन ओ होता है, ठीक है, तो ये 17 है तो बिल्कुल के में दो होगा दोस्तों, अधिकतम दो रहेगा, के बाद एल होता है, एल में अधिकतम कितना रह सकता है, 8 रह सकता है दोस्तों, एम में अधिकतम 18 रह सकता है, 18 अधिकतम रह सकता है एम में, याद रखिएगा, तो एम में यहाँ बिल्कुल 8 × 2 = 10 हो गया, 7 हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा ना, तो ये बिल्कुल बाह्यतम कक्षा में कितनी हो गई दोस्तों, 7 हो गई, इतना यानी दोस्तों इसका आंसर होगा 7, याद रखिए के एल एम एन वो पता रखना पड़ेगा दोस्तों, के में 2 होता है आप याद रखिएगा, देखिए लिख देते हैं हम लोग, नोट कर लीजिएगा, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया और ओ हो गया, ठीक है, तो ओ को तो हटा दीजिए, यहाँ एन तक में ही काम चल जाएगा आपका। के पर दोस्तों 2 होता है, एल पर कितना होता है दोस्तों, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एम में अधिकतम दोस्तों 18 रह सकता है और उसके बाद एन में अधिकतम दोस्तों रह सकता है 32, बस इतना तो याद रखिएगा, बस आ जाएगा, इसी पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे दोस्तों, इस टाइप से अगर रहेगा तो बाह्यतम कक्षा सब पूछेगा तब। नेक्स्ट, रासायनिक यौगिकों का सबसे छोटा संभावित यूनिट क्या है, संभावित यूनिट है दोस्तों, बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा तो 15 का ए नंबर दोस्तों, परमाणु होता है, संभावी यूनिट होता है परमाणु होता है, ये 15 का और एक हो जाएगा दोस्तों, और परमाणु अविभाज्य कण होते हैं दोस्तों, ये विभाज्य नहीं हो सकता है, दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है, ठीक है, किंतु उनके गुण भिन्न भिन्न है, क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे दोस्तों, ये आइसोटोप कहलाएंगे, क्या आइसोटोप। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरणें निकलती है, कोबाल्ट 60 से ये गामा किरणें निकलती है दोस्तों, याद रखिए गामा किरणें। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या दूसरी कक्षा है दोस्तों रह सकती है कितनी, अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए हैं 8 रह सकती है, पहला कक्षा होता है दोस्तों के, उसमें 2 रह सकता है, दूसरा होता है दोस्तों एल, एल में 8 रह सकता है दोस्तों, तीसरा रहता है क्या, तीसरा कक्षा रहता है, याद रखिए तीसरा जो कक्षा होता है ये एम होता है दोस्तों, एम और इसमें 18 रह सकता है, चौथा जो कक्षा होता है दोस्तों वो होता है 32, याद रखिए इसका नाम क्या है चौथा कक्षा का, एन है दोस्तों, एन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, के एल एम एन होता है, के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी, एल में अधिकतम 8 रहेगी दोस्तों, और एम में अधिकतम 18 रहेगी, एन में अधिकतम 4 रहेगी, ये याद रखिएगा। ऐसे दो तत्वों जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को क्या कहेंगे दोस्तों, तो क्या कहेंगे, इसे संभारिक कहेंगे, समान भार है ना दोस्तों तो संभारिक हो गया।
निम्न में से किसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने में किया जाता है? किसका प्रयोग? तो बोरोन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, बोरोन का। नेक्स्ट, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स तत्व के वैसे परमाणु हैं जिनका क्या होता है? जिनका दोस्तों समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान होता है उसे ही आइसोटोप्स कहते हैं। परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? परमाणु के केंद्र को दोस्तों न्यूक्लियस कहा जाता है, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। रेडियम का अर्ध आयु काल 16 वर्ष है, तो इसका औसत आयु काल क्या होगा? अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए कर चुके हैं दोस्तों, तो याद रखिए रेडियम का औसत आयु बराबर अगर निकालना होगा दोस्तों अर्ध आयु बटे, अभी जस्ट बता चुके हैं दोस्तों अर्ध आयु बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, फार्मूला होता है ये औसत आयु निकालने के लिए 0.693, बस इतना कर देनी है बस आ जाएगा। और अर्ध आयु के स्थान पर 1600 है, 1600 को 0.693 से डिवाइड दे देंगे आ जाएगा। अगर डिवाइड देंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 2309, यानी दो नंबर इसका आंसर होगा। एक परमाणु रिएक्टर में कैडमियम क्षार किस लिए उपयोग किया जाता है? कैडमियम क्षार, तो याद रखिए न्यूट्रॉन को आवेशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों कैडमियम का क्षार। एटम बम आधारित है किस पर? एटम बम आधारित है दोस्तों परमाणु विखंडन पर, परमाणु विखंडन पर यह आधारित होता है एटम बम। इलेक्ट्रॉन जो परमाणु का एक घटक है कि मतलब किसने खोज किया था दोस्तों इलेक्ट्रॉन का बताइए, तो ये हो जाएगा जे थॉम्सन ने खोज किया है, चैडविक न्यूट्रॉन का खोज किया दोस्तों, और रदरफोर्ड ये प्रोटॉन की खोज किया है या फिर गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट, साधारणतया सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड क्या है दोस्तों? तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है दोस्तों सोडियम और क्लोराइड आयनों से ये निर्मित एक आयनिक या विद्युत संयोजी लवण है दोस्तों, ये लवण है NaCl। निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं? कौन न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं दोस्तों, यानी न्यूक्लियस में रहता है बताइए, तो ये हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो बाहर रहता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या 11 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संयोजकता होती है बाहरी संख्या, बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होगी वही इसका हो जाएगा दोस्तों। बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों 29 का? सिंपल सी बात है दोस्तों, एक होगी। कैसे एक होगी? KLMN आपको पता रखनी पड़ेगी। पहला ऑर्बिट में दोस्तों 2 रह सकता है, दूसरा ऑर्बिट में 8 रह सकता है दोस्तों। ये K हो गया, ये हो गया दोस्तों K, ये हो गया L। चौथा होता है M दोस्तों, M में 18 रह सकता है। उसके बाद जो होता है दोस्तों, नहीं ये तीसरा हो गया, चौथा होता है दोस्तों क्या, KLMN होता है, N में कितनी 32 रह सकता है। अब बताइए दोस्तों, तो ये देखिए 8 × 2 = 10 हो गया, यहाँ 11 है तो यहाँ 1 दे देंगे M पर 1 तो हो जाएगा ना दोस्तों, तो अब बाह्यतम कक्षा में कितना हो जाएगा 1, तो वही इसका संयोजकता हो जाएगा दोस्तों 1, यानी इसका राइट आंसर 1 नंबर होगा दोस्तों बिल्कुल। नेक्स्ट, बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता भी हो जाती है। नेक्स्ट, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें दोस्तों याद रखिएगा प्रतिकण के रूप में जाना जाता है, प्रतिकण यानी एंटी पार्टिकल्स के रूप में जाना जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या हुआ दोस्तों, पॉजिट्रॉन हुआ ना, उसी तरह। नेक्स्ट, प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है प्रोटॉन में, बताइए जितना इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही होता है लेकिन ये प्लस में होता है, बताइए क्या होगा दोस्तों 31 का? 31 का एक नंबर हो जाएगा क्या? प्लस, ये प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है दोस्तों, प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है दोस्तों ये प्रोटॉन पर, और यही शुरू में अगर माइनस लगा देंगे दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम हो जाएगा ये किसका, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ये हो गया दोस्तों प्रोटॉन का, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है दोस्तों। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? अरे प्रोटॉन की संख्या जितनी एटॉमिक नंबर है दोस्तों, एटॉमिक नंबर कितनी है हाइड्रोजन का, 1, तो प्रोटॉन की संख्या भी तो 1 ही होगी दोस्तों, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 32 का आंसर तो हो जाएगा 1 बिल्कुल, न्यूट्रॉन इसमें होता ही नहीं है। नेक्स्ट है N2, देखिए दोस्तों ये 92X238 है दोस्तों, ये यूरेनियम के बारे में चर्चा कर रहा है। A+2 H4 तत्व A में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है तो देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको इसका प्रोटॉन की संख्या पता करना पड़ेगा, तो प्रोटॉन तो संख्या दे दिया दोस्तों 92,
नहीं तो यहाँ कोई एलिमेंट है एक्स के स्थान पर दोस्तों, और इसका एटॉमिक मास भी दे दिया गया 238 238, और एटॉमिक मास जो होता है दोस्तों वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होता है दोस्तों एटॉमिक मास। तो ये बिल्कुल जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, उतनी ही परमाणु संख्या होती है दोस्तों, ये तो आप लोगों को पता है। तो ये बिल्कुल ये दोनों का योग यहाँ पर दिया है, यानी दोस्तों 92 प्लस हो जाएगा दोस्तों, क्या पूछा है न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा दोस्तों 238, बस इतना करना है दोस्तों, बस आ जाएगा 238 में से 92 अगर हम घटा देंगे दोस्तों तो 144 हो जाएगा, 144, तो 144 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल आपको इसमें यह पता रखना पड़ेगा दोस्तों, याद रखिएगा केंद्र में जो रहता है दोस्तों, नाभिक में जो रहता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है दोस्तों, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग ही होता है एटॉमिक मास। और याद रखिएगा प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, बराबर होता है परमाणु संख्या, तीनों आपस में बराबर होता है। वातावरण में कौन सी गैस प्रावैगनिक किरणों का अवशोषण करती है, तो वो करती है दोस्तों ओजोन, इसमें तीन ठो अणु होता है दोस्तों, किसका ऑक्सीजन का। नेक्स्ट रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है वह क्या है, तो वह है दोस्तों थोरियम, याद रखिएगा थोरियम। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, हाइड्रोजन का तो याद रखिए एरिटियम नहीं है दोस्तों, एरिटियम नहीं है यह हाइड्रोजन का समस्थानिक, बाकी सब प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्राइटियम है। 2.8 ग्राम वजन वाले लोहे के टुकड़े में आयरन की परमाणुओं की संख्या होगी कितनी, कितनी होगी बताइए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको पहले ही हम बता चुके हैं दोस्तों 2.8 है ना, ठीक है कुछ नहीं घबराना नहीं है दोस्तों इसको। देखिए तो आयरन की परमाणु की संख्या क्या होगी, यही ना है, ठीक है तो ये आपको पता रखनी पड़ेगी। एवोगाड्रो संख्या कितनी होती है दोस्तों, एवोगाड्रो संख्या 6.022 × 10⁻²³ होती है, 6.022 × 10⁻²³ होती है, या फिर 6.023 × 10⁻²³ होती है, बटे 2 से डिवाइड देनी पड़ेगी। अगर हम लोग दोस्तों इसके 2 से डिवाइड दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3.011 हो जाएगा दोस्तों, और गुना 10⁻²³ ही हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर में दिया गया दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलान करनी है 38 का, देखिए अच्छी तरह से देखिए, ये जो ऑक्सीजन है ना दोस्तों, ये क्या ऑक्सीजन द्वि परमाणुक ओ धातु है दोस्तों, द्वि परमाणुक ओ धातु है ऑक्सीजन, तो एक नंबर हो जाएगा इसका। और ये जो ओजोन है दोस्तों, ओजोन त्रिपरमाणुक ओ धातु है, त्रिपरमाणुक ओ धातु है दोस्तों, त्रिपरमाणुक है ये ओजोन, ये बिल्कुल सही है। और इसके आर्गन जो है ना दोस्तों, आर्गन एक परमाणुक है, आर्गन क्या है एक परमाणुक है दोस्तों। और उसके बाद फास्फोरस जो है दोस्तों, ये बहु परमाणुक है, फास्फोरस बहु परमाणुक यानी दोस्तों ये क्या है चतुर्थ परमाणुक है, यही हो जाएगा। इसमें होता है 2 ठो भी होता है 4 ठो भी होता है दोस्तों फास्फोरस में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, तो 4 2 3 1 यानी 4 नंबर इसका आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, सिंपल सी बात है जोड़ दीजिए सबका, जितना एटॉमिक मास निकलेगा वही हो जाएगा दोस्तों, 8 2 10 3 13 13 हो गया, इसका मतलब एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 13, तो यानी ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। रेडियो कार्बन काल निर्धारित संबंधित है किससे, ये किससे संबंधित है, ये जीवाश्म से, रेडियो कार्बन जैसे ही हो गया कार्बन डेटिंग विधि दोस्तों, तो जीवाश्म हो जाएगा, यूरेनियम डेटिंग विधि हो जाएगा तो पृथ्वी का आयु या फिर चट्टानों का आयु हो जाएगा। नेक्स्ट यदि क्रिप्टन की परमाणु संख्या 36 है, तो ये 36 तो होता ही है दोस्तों क्रिप्टन की, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगी, सिंपल सी बात है दोस्तों, अब बताइए यहाँ KLMN होता है दोस्तों, KLMN तो यही सीरियल में चलेगा, KLMN होता है दोस्तों, KLMN होता है याद रखिएगा। अब देखिए K में अधिकतम 2 रह सकता है दोस्तों, L में अधिकतम 8 रह सकता है, M में अधिकतम दोस्तों कितनी 18 रह सकता है, और N में अधिकतम कितनी 32 रह सकता है दोस्तों, और ये हमको 36 तक पुरानी है, ठीक है 36 तक पुरानी है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए 36 में, और ये सीरियल में किसका लग रहा है, 2 के बाद 8 है उसके बाद 18 है, 2 के बाद 8 उसके बाद 18 है, ठीक है ना दोस्तों, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है 2 नंबर। और उसके बाद कितनी देखिए दोस्तों, 8 2 10 10 18 28 28 और 18 28 8 हो गया दोस्तों 36, यानी 2 नंबर 41 का 2 नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों,
याद रखिएगा, यही हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको अगर हम लोग पूर्ण रूप से लिखेंगे तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p पर हो जाएगा दोस्तों। तो 1s पर अधिकतम 2 होता है, p पर अधिकतम 6 होता है, d पर अधिकतम दोस्तों 10 होता है, बस निकल जाएगा इसी से। नेक्स्ट, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है क्या? जब पूर्ण होगी या तो 4 होगी या तो 0 होगी दोस्तों। तो इसका क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 8। अच्छा तो अच्छा पूर्ण होती है ना क्या दोस्तों, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है क्या? संयोजकता दोस्तों उसकी 8 होती है। कितनी होती है? 8। देखिए किसी, आपको ये 2n² होती है दोस्तों, किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n कक्षा संख्या है दोस्तों। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते दोस्तों, ये याद रखिएगा, बाह्य कक्षा में 8 से अधिक नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटोन पर आरोपित बल कहलाता है क्या? आरोपित बल क्या कहलाता है दोस्तों? नाभिकीय बल कहलाता है। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समुद्याय से संबंधित होगा दोस्तों। 12 प्रोटॉन है, सिंपल सी बात है, 12 प्रोटॉन है दोस्तों, तो यह हो जाएगा 2। कैसे 2 आ गया, कैसे 2 आ गया दोस्तों? तो आपको पता है के होता है LMN होता है दोस्तों, KLMN। तो K पर K में अधिकतम 2 रह सकता है, L में अधिकतम 8 रह सकता है, M में अधिकतम दोस्तों कितनी 18 रह सकता है, N में अधिकतम कितनी 32 रह सकता है। अब देखिए दोस्तों, बस हमें क्या है, ये 12 है ना, 12 पुरानी है दोस्तों, तो इसमें तो 2 ही रह सकता है अधिकतम, इसमें 8, तो कितना 8 2 10, 2 बचा तो 2 यहाँ हो जाएगा, 2 ही रहेगा ना दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 1 नंबर। नेक्स्ट है, किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होती है क्या? उत्सर्जित विकिरण क्या होती है? तो ये हो गया दोस्तों अवरक्त होती है, अवरक्त। नेक्स्ट, एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जा सकता है? एम सेल अभी जस्ट हम लोग चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 18। तो यह क्या होता है? 18। एन पर कितनी होती है दोस्तों? 32 होता है। के पर कितनी होती है? 2 होता है दोस्तों। एल पर कितनी होती है दोस्तों? 8 होता है। एम पर कितने होता है? 18। एन पर कितना होता है दोस्तों? 32। नेक्स्ट है, डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, कौन सा हानिकारक विकिरण है दोस्तों? परावैगनिक विकिरण है, और इससे हमें रक्षा करता है दोस्तों ओजोन। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, किसमें एक समान होती है? तो वह होती है दोस्तों, याद रखिए, AS यानी आर्सेनिक और बिस्मथ में होती है, बिल्कुल दोस्तों, इसी में एक समान होगी और किसी में एक समान नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों देखिए अच्छी तरह से, AS मतलब आर्सेनिक हो गया दोस्तों, देखिए जिंक गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक, ठीक है, 33 हो गया, इसका 33 होता है एटॉमिक नंबर, और R तो ये है ना दोस्तों, AS हो गया, Bi जो होता है दोस्तों, Bi यानी बिस्मथ 83 होता है, ये 83 होता है, तो ये 83 हो गया, और AS कितनी होगी दोस्तों? AS हो गया 33, AS 33, Bi कितनी हो गया दोस्तों? 83 हो गया। और दोनों का अगर आप लोग निकालिएगा तो बिल्कुल समान हो जाएगी लास्ट में दोस्तों, पूरा निकालना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट, डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं, कितने लेते हैं भाग? तो 6 लेते हैं भाग दोस्तों, 6। क्या N2 के अणुओं के बीच त्रिक संयोजक बंधन बनता है दोस्तों? अर्थात इस बंध के निर्माण में दोनों नाइट्रोजन के 3-3 मतलब कुल 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ऐसे होता है दोस्तों, N हो गया, उसके बाद इस तरह होता है, उसके बाद फिर N होता है दोस्तों। डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए? तो ये हो जाएगा दोस्तों, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है, बिल्कुल परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण है दोस्तों, इसे विभाज नहीं किया जा सकता और यह स्वतंत्र अवस्था में भी नहीं रहता है। बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं दोस्तों, संयोजक इलेक्ट्रॉन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आपको हम एक बता देते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होती है कितनी, तो आप याद रखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³। इलेक्ट्रॉन का यह द्रव्यमान होता है। प्रोटोन का द्रव्यमान होता है दोस्तों 1.67 × 10⁻²। यह होता है प्रोटोन का दोस्तों, यह होता है किसका? प्रोटोन का। और न्यूट्रॉन पर भी इतना ही होता है दोस्तों, इतना ही न्यूट्रॉन पर भी होता है। और इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जे.जे. थॉम्सन है, प्रोटॉन की खोजकर्ता गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड है, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता दोस्तों चैडविक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट, सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? कौन सी अभिक्रिया दोस्तों संपन्न होती है बताइए, तो इसका क्या होगा आंसर? तो ये नाभिकीय संलयन दोस्तों संपन्न होती है सूर्य में, क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। आपको हम एक ट्रिक दे दिए हैं, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहाँ संलयन होगा दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के संबंध में निम्न में से कौन से बिंदु सही है बताइए, क्या होगा इसका आंसर दोस्तों 53 का? देखिए दोस्तों अच्छी तरह से, यह किसी परमाणु के कोषों में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्थापन है, बिल्कुल है दोस्तों। यह उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थापक है, यह भी सही है। यह किसी परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्थापन है, यह भी सही है। सभी इसका सही है, ए बी सी सही है दोस्तों, यानी इसका आंसर होगा 4 नंबर, तीनों सही है। किन तत्वों के बाह्यतम कोष में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन रहते हैं बताइए, किस तत्व में रहते हैं 7? तो आप दिमाग लगाइएगा दोस्तों तो बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा हेलोजन दोस्तों, हेलोजन में कितने रहते हैं 7, जितने भी हेलोजन होते हैं दोस्तों 7 ही उसमें रहेगा हमेशा 7। और हेलोजन में आता है दोस्तों क्या, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन एटसेट्रा आता है दोस्तों ये हेलोजन में। के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जा सकता है? के सेल में ये तो आसान है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 2 ही होता है, क्योंकि के पर अधिकतम 2 रह सकता है दोस्तों, एल पर अधिकतम 8 रह सकता है, और एम पर अधिकतम 18 रह सकता है, और याद रखिएगा दोस्तों एन पर अधिकतम 32 रह सकता है। ऑर्बिट के बारे में नेक्स्ट, n3 से n बराबर 3 और क्या दोस्तों से n बराबर 2 स्तर में किसी इलेक्ट्रॉन के परिवर्तन से डैश लाइन उभरती है, कौन सी लाइन उभरती है दोस्तों? तो याद रखिएगा दृश्य स्पेक्ट्रम उभरती है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रभावित किए जाते हैं, अल्फा कण तो ये किया जाता है दोस्तों स्वर्ण पर, सोना पर। यदि एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? दोनों को जोड़ दीजिए, 12 11 जोड़ देंगे दोस्तों तो कितनी हो जाएगी 23, यानी दोस्तों ये होगा सोडियम, यानी 23 इसका आंसर होगा दोस्तों 58 का 23, यानी 3 नंबर। नेक्स्ट, कार्बन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी होता है और रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है बताइए? तो ये हो जाएगा दोस्तों C14 का प्रयोग रेडियो कार्बन डेटिंग में उपयोग किया जाता है। मान लीजिए किसी दिए गए परमाणु की परमाणु संख्या 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या होगी? बस तो ये देखिए, K होता है, L होता है, M होता है और N होता है। K पर अधिकतम कितना रह सकता है 2, L पर अधिकतम कितना रह सकता है दोस्तों, L में अधिकतम 8 और M में अधिकतम कितना रह सकता है दोस्तों 18 और N में अधिकतम 32। ये अगर पता है तो आप लोग निकाल लीजिएगा, ये 17 होता है दोस्तों, यानी 2 होगा 8 होगा, 8 × 2 = 10 हो गया, 10 + 7 = 17 हो जाता है, यानी M में 7 होगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 2 × 8 = 7 जिसमें होगा वही आंसर होगा, यानी 4 नंबर, 60 का 4 नंबर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित का मिलान करके आपको आंसर देनी है दोस्तों 61 का, क्या आंसर होगा इसका देखिए दोस्तों अच्छी तरह से। देखिए डाल्टन, रसायन शास्त्री जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम तत्वों के संदर्भ में चिन्ह संकेत का प्रयोग किया था, चिन्ह संकेत का प्रयोग इसी ने किया था दोस्तों, ठीक है, किया था। और पोटासियम के का लेटिन नाम केलियम है, केलियम है किसना किसका दोस्तों, केलियम, पोटासियम का लेटिन नाम केलियम है, पोटासियम का केलियम है दोस्तों। और हाइड्रोजन का परमाणु तीन ठो है। तत्व हेतु सर्वप्रथम चिन्हों का प्रयोग किसने किया था दोस्तों, डाल्टन ने किया था, इसका तो डाल्टन हो जाएगा दोस्तों। और ये जो दिया है 10^-10 मीटर, ये हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन, ठीक है। अब बिल्कुल मिलान हो गया दोस्तों, यानी इसका आंसर होगा 3 1 2, यानी 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इलेक्ट्रॉन क्या है, अच्छा इलेक्ट्रॉन क्या है बताइए, इलेक्ट्रॉन क्या है देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है एक ऋण आवेशित उप परमाणु कण है दोस्तों इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या होता है, अंतर का कारण क्या होता है दोस्तों वो देख लीजिए अच्छी तरह से, यानी उनके नाभिक में प्रोटॉन की अलग अलग संख्या होती है, बिल्कुल उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होगी ना, प्रोटॉन कहां से होगा, न्यूट्रॉन होगा दोस्तों, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो याद रखिए रेडियो सक्रियता का आविष्कार जो किया था हेनरी बेकुरल दोस्तों, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा।
नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रति द्रव्य कणों को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ये पॉजिट्रॉन कहा जाता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन होता है, ये याद रखिएगा आप अच्छी तरह से। और इसका आंसर हम दे देते हैं दोस्तों एक जगह, 65 क्वेश्चन में कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहता है, ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, कक्षा संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया गया, इसे आपको हमेशा याद रखनी है कि ये पहला कक्षा होता है दोस्तों, यानी ये पहला सर्किल के अंदर होता है और इसमें दो इलेक्ट्रॉन की संख्या रह सकता है, और L2 ये दूसरा सर्किल रहता है दोस्तों, और ये L2 दूसरा सर्किल होता है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम रह सकता है, M तीसरा रहता है दोस्तों, M इसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन की संख्या रह सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। N चौथा होता है, इसमें अधिकतम दोस्तों 32 रह सकता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, याद रखिएगा। पहला को K कहेंगे दोस्तों, दूसरा को L कहेंगे, तीसरा को M कहेंगे और चौथा को दोस्तों N कहेंगे, याद रखिएगा N कहेंगे, इसे क्या कहेंगे N। पहला में 2 रह सकता है, दूसरा में 8 रह सकता है, तीसरा में 18 है, चौथा में 32, ये आप हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मूल कण द्रव्यमान और खोजकर्ता, इसे भी आपको याद रखनी है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³⁻³ होता है द्रव्यमान, और खोजकर्ता इसके जे थॉमसन है दोस्तों। प्रोटॉन पर 1.67 × 10⁻²⁷ इसका द्रव्यमान होता है दोस्तों, और ये इसके खोजकर्ता गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड है। न्यूट्रॉन पर दोस्तों, ये द्रव्यमान न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻²⁷ और ये इसका खोजकर्ता चैडविक है दोस्तों। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर दोनों पर दोस्तों याद रखिएगा मास बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन पर 9.1 × 10⁻³⁷ होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर दोस्तों 1.67 × 10⁻²⁷ होता है। नेक्स्ट है, अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में दिया गया गैसों का आचरण यानी बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में। पहले इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। सुपर फास्ट अप्रोच देखिए, नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन एवं उसके दाब का गुणनफल एक नियतांक होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नोट, बॉयल के नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब घनत्व का समानुपाती होता है दोस्तों। बॉयल के नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब घनत्व का समानुपाती होता है। नेक्स्ट, सुपरफास्ट अप्रोच देखिए अच्छी तरह से, बॉयल का नियम यह सिद्ध करता है कि गैस संपिंडीय है, जितना ज्यादा इसको संपिंडीय करेंगे उतना ही ज्यादा यह संघन यानी दोस्तों डेंसर होगा, याद रखिएगा। अब बॉयल के नियम यह देखिए अच्छी तरह से यहां स्पष्ट क्या कर रहा है, शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको समझते हैं। उच्च दाब पर गैस बॉयल के नियम से दूर हो जाता है दोस्तों, तथा आलेखीय सत्यापन में सीधी रेखा नहीं होती है। अब एक बात आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्या वो देखिए, ऊंचा स्थान पर वायुमंडलीय दाब कम होता है दोस्तों, ऊंचा स्थान पर वायुमंडलीय दाब हमेशा कम होता है, याद रखिएगा। और हवा घनी डेंस होती है, हवा घनी होती है और इसके कारण सांस लेने के लिए कम ऑक्सीजन उपलब्ध रहता है, व्यक्ति बेचैनी सिर दर्द इत्यादि महसूस करता है। यह ऊंचाई की बीमारी यानी अल्टीट्यूड सिकनेस कहलाता है दोस्तों। यही कारण है कि पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ध्यान देना है एक बात दोस्तों, किसी भी गैस का ये क्या आयतन दोस्तों, ये जीरो केल्विन या −273 °C ताप पर शून्य हो जाता है दोस्तों, आयतन होगा ये, और गैस के अणु गति करना बंद कर देता है। और एक बात आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्या वो देखिए, विसरण यानी डिफ्यूजन तथा बहाव यानी इफ्यूजन दोनों अलग अलग क्रिया है दोस्तों। बहाव इफ्यूजन में गैस को दबाव में एक छेद से बाहर निकाला जाता है, याद रखिएगा। उदाहरण, सिलेंडर से गैस का लीक होना या फिर पंचर टायर से हवा लीक होना दोस्तों। नेक्स्ट है, सुपरफास्ट अप्रोच देखिए, रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारों को फुलाना चार्ल्स के गैसीय नियम के व्यवहार रूप को दर्शाता है, याद रखिएगा। भी समानुपात टी या आयतन समानुपात तापमान होता है दोस्तों। नेक्स्ट, सुपरफास्ट अप्रोच देखिए, इसे याद रखनी है। गैस के कुछ प्रकार तथा रंग को अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसे आपको याद रखनी है। गैस के प्रकार और रंग, आर्गन का रंग होता है दोस्तों हरा,
आर्गन का रंग कैसा होता है? हरा होता है दोस्तों, आर्गन का रंग याद रखिएगा। और आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 18, और ये इनर्ट गैस है। नाइट्रोजन का रंग होता है दोस्तों काला, नाइट्रोजन का रंग होता है दोस्तों काला, और इसका एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों नाइट्रोजन का 7। कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है, इसका रंग होता है दोस्तों ग्रे, ग्रे कलर का कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हीलियम हीलियम NO2 ये भूरा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। हीलियम क्या होता है? भूरा कलर का होता है, और NO2 भी भूरा कलर का होता है। नेक्स्ट अब देखिए अभ्यास प्रश्न, पहला क्वेश्चन है बॉयल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है, किस नियम में लागू होता है दोस्तों बॉयल का नियम? तो ये होगा नियत तापमान पर लागू होता है दोस्तों, याद रखिएगा। बॉयल नियम PV बराबर होता है नियत जहां ताप नियत है दोस्तों। नेक्स्ट एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 × 10⁻²³ होता है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी दो नंबर 6.023 × 10⁻²³। नेक्स्ट तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है, यह नियम क्या कहा जाता है? इस नियम को कहा जाता है दोस्तों एवोगाड्रो की नियम, याद रखिएगा। और एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 × 10⁻²³। अचर तापमान पर 1200 मिलीमीटर मरकरी दाब पर एक गैस का आयतन 1500 cm³ है, यदि आयतन 30% से कम कर दिया जाता है तो नया दाब क्या होगा? तो नया दाब क्या होगा दोस्तों, अच्छी तरह से समझिए इसको। तो आपको पता है दोस्तों PV बराबर PV करेंगे बस आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए तो यहाँ हमें पता करनी है दोस्तों P2 यानी नया दाब प्राप्त करना है, नया दाब। आप फॉर्मूला देखिए P1 बराबर होता है V1 बराबर P2 बराबर P2 इंटू होता है दोस्तों V2, याद कि P1 इंटू V1 बराबर होता है P2 इंटू V2। तो इसे हमें P2 निकालना है दोस्तों, तो P1 V1 बाय हो जाएगा V2, बस यही फॉर्मूला हो गया, इसी पर हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए तो ये P1 V1 कितनी दिया है, 1200 इंटू ये हो गया 1500 दोस्तों, 1500 बटे हो जाएगा क्या, तो देखिए ये V2 आयतन दिया है, तो ये हो जाएगा 1500 हाँ इंटू में इसको हम लोग कर सकते हैं 70/100 हो जाएगा। इसी को सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों बस आ जाएगा, और कुछ नहीं दोस्तों। जब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 1714.2 मिलीमीटर, बस यही आ जाएगा। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 का 2 नंबर, 1714.2 मिलीमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस और 760 मिलीमीटर दाब पर एक गैस का आयतन 200 cm³ है, -3 डिग्री सेल्सियस और 760 मिलीमीटर दाब पर इस गैस का आयतन क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आप लोगों का फॉर्मूला पता होगा दोस्तों, P1 × V1/T1 होता है बराबर होता है दोस्तों P2 × V2/T2 होता है, यही फॉर्मूला पर बस आ जाएगा दोस्तों। P1 कितना दिया गया है? P1 दिया गया दोस्तों कितना, 760 मिलीमीटर, 760 मिलीमीटर हो जाएगा दोस्तों P1। V1 कितना दिया गया है? V1 दिया गया 200 cm³, 200 cm³। तो ये हो जाएगा दोस्तों T1 कितना दिया गया है? T1 दिया गया दोस्तों 27 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग इसको केल्विन में चेंज करेंगे दोस्तों तो 273 से ऐड करना पड़ेगा, जब 273 से ऐड करेंगे तो 300 हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए 300 बराबर हो जाएगा P2 कितना दिया गया है दोस्तों, तो P2 दिया गया 760 मिलीमीटर, उतना ही है दोस्तों 760 मिलीमीटर है, यानी P2 भी 760 ही दिया गया है, 760 इंटू हो जाएगा V2, तो हमें निकालना ही है दोस्तों V2 निकालना है। अब बटे T2 कितना हो जाएगा, T2 दिया गया -3 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस को अगर हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा कितना, 273 से इसमें घटाना होगा क्योंकि माइनस है, 273 से घटाएंगे तो 270 केल्विन हो जाएगा दोस्तों, 270। बस इसी को सॉल्यूशन कीजिए बस आ जाएगा दोस्तों, बहुत ही आसान है। देखिए ये 0 से 2 0 से ये 2 0 खत्म हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ 3 है, इससे ये भी खत्म हो जाएगा, 3 से इसको कटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। और ये 76 देखिए दोस्तों, यहाँ पर 76 है, ये 76 है, 76 से ये भी 76 दोस्तों कट जाएगा, लेकिन यहाँ 0 1 बच गया दोस्तों, याद रखिएगा। जब ये 0 बच गया तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो V2 निकालना है ना, तो ये हो जाएगा कितनी,
9 गुना 10 90 हो जाएगा, 90 गुना 2 कितना हो गया दोस्तों 180, 180 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी 4 नंबर इसका राइट आंसर है दोस्तों 180। बस कुछ नहीं था इसमें, फार्मूला आपको पता होनी चाहिए था। बस क्या फार्मूला दोस्तों, P1 इंटू V1 बाय T1 होता है बराबर P2 इंटू V2 बाय T2 होता है दोस्तों। बस नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है, कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। फैराडे का नियम दोस्तों गैसों से संबंधित नहीं है। फैराडे का नियम इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से यह संबंधित होता है। बॉयल का नियम गैसों से संबंधित है, चार्ल्स का नियम भी और गे लुसाक का नियम भी गैस से संबंधित है दोस्तों। कौन सा कथन गैसों के अणुओं की विन्यास और गति का वर्णन करता है, बताइए तो कौन सा कथन करता है, अणु अनियमित विन्यास में अनियमित गति करते हैं, यह करता है दोस्तों। एक नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट माइनस, देखिए सॉरी, डैश का नियम गैसों के से संबंधित नहीं है। डैश का नियम गैसों से संबंधित नहीं है, कौन सा नियम दोस्तों बताइए, क्या होगा आंसर। देखिए दोस्तों, ये जूल का नियम गैस से संबंधित नहीं है, जूल का नियम गैस से संबंधित नहीं, बॉयल का नियम, एवोगाडो का नियम, चार्ल्स का नियम है दोस्तों, लेकिन जूल का नियम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, नहीं पूछा गया था, यानी बी नंबर, यानी ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाह्य बनाता है दोस्तों, सुवाह्य बनाता है, संपिंडीयता यह सुवाह्य बनाता है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है, तो CO प्लस H2 तो इसे ही कहते हैं हम लोग दोस्तों जल गैस, याद रखिएगा जल गैस। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में दिया गया रासायनिक आबंध और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल रिएक्शन के बारे में। कन्फ्यूज ना हो, क्या नहीं कन्फ्यूज होना है वो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक पाए यानी पाए बंद हमेशा सिग्मा बंद के साथ ही एग्जिस्ट करता है दोस्तों, याद रखिएगा। एक जैसे तत्व के दो परमाणु के बीच बंद हमेशा ससंयोजी कोवैलेंट होता है दोस्तों, जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया। कमरे के तापमान पर H2H यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रहता है जबकि H2O द्रव रहता है दोस्तों, H2S गैस रहता है जबकि H2O द्रव रहता है। सुपर फास्ट अप्रोच देखिए, N2O नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस या हास गैस के रूप में जाना जाता है। N2O तथा O2 जब प्रतिक्रिया करते हैं या मिश्रण बनाते हैं तो निश्चेतक का निर्माण करते हैं जिसे एनेस्थेसिया कहते हैं दोस्तों। ओजोन या ओजोन O3 होता है, याद रखिएगा ओजोन का फॉर्मूला। नेक्स्ट, इसमें दो ससंयोजक बंध तथा एक उप ससंयोजक बंध होता है दोस्तों इसी में ओजोन में। नेक्स्ट, यह ऑक्सीजन का अपरूप है, किसका है, ऑक्सीजन का अपरूप है। यह चांदी के चम्मच को काला कर देता है दोस्तों ओजोन। यह पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, उसे सोख लेता है। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से निकलने वाली गैस CFC के कारण ओजोन परत क्षय हो रहा है दोस्तों, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। नेक्स्ट, ससंयोजक यौगिक और आकृति के बारे में देखिए, ससंयोजक यौगिक ज्यामितीय आकार और बंधन कोण, याद रखिएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, बेरिलियम क्लोराइड और दोस्तों बोरोन क्लोराइड में क्या एक रेखिक ये ज्यामितीय इसका आकार होता है और ये सभी का बंधन कोण जो होता है दोस्तों 180 होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड का बंधन कोण क्या होता है, तो 180 होता है। जल का दोस्तों ज्यामितीय आकार कोणीय होता है, याद रखिएगा, और बंधन कोण जल का होता है 105 डिग्री। अमोनिया NH3 दोस्तों ये ज्यामितीय आकार इसका पिरामिड होता है और 109 डिग्री इसका बंधन कोण होता है। मीथेन ये चतुष्फलकीय होता है दोस्तों मीथेन, और ये 109 डिग्री 28 मिनट इसका बंधन कोण होता है दोस्तों। और क्या एथिलीन C2H4 ये तलीय होता है ज्यामितीय आकार और ये 120 डिग्री का कोण बनाता है दोस्तों एथिलीन। और एसिटिलीन यानी C2H2 एक रेखिक होता है और ये 180 डिग्री का कोण बनाता है दोस्तों एसिटिलीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये चतुष्फलकीय होता है दोस्तों ज्यामितीय आकार और 109 डिग्री 28 मिनट का ये कोण बनाता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ये त्रिकोणीय बाय पिरामिड होता है दोस्तों और ये 120 डिग्री 90 मिनट का कोण ये बनाता है। सल्फर हेक्साक्लोराइड ये अष्टफलकीय होता है दोस्तों, सल्फर हेक्साक्लोराइड, और ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड ये कोणीय होता है, ये 92 डिग्री का कोण बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड ये कोणीय होता है दोस्तों और ये 119
19 डिग्री 5 मिनट का कोण बनाता है। फास्फीन पिरामिड होता है, ये 107 डिग्री 5 मिनट का कोण बनाता है। और क्या है दोस्तों, न्यूप्रामोनियम वर्गाकार होता है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सुपरफास्ट अप्रोच के बारे में देखिए, हाइड्रोजन बंधन, जब हाइड्रोजन किसी उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है तो इसके यौगिक के बीच एक अतिरिक्त बंधन का निर्माण होता है जिसे हाइड्रोजन बंधन कहते हैं दोस्तों। और यह दो परमाणुओं को जोड़ने का कार्य करता है हाइड्रोजन बंधन, और इसे डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन के द्वारा सूचित किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, यह ससंयोजक बंधन की अपेक्षा कमजोर होता है, यह डॉटेड लाइन से ना उसी तरह दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब ये याद रखिए, इतना तो आपको याद रखनी है दोस्तों, तांबा, तांबा का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, 29 तांबा का एटॉमिक नंबर होता है। और इसका लैटिन नाम ना दोस्तों क्या है, क्यूप्रम इसका लैटिन नाम है, और संकेत इसका CU है। लोहा, लोहा यानी आयरन का लैटिन नाम फेरम होता है दोस्तों, और सिंबल Fe होता है, एटॉमिक नंबर 26 होता है। सोडियम, सोडियम का दोस्तों लैटिन नाम नेट्रियम होता है, और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है दोस्तों, Na सिंबल होता है। सोना का लैटिन नाम ऑरम होता है, याद रखिएगा सोना का, और दोस्तों सिंबल Au होता है, इसका एटॉमिक नंबर 79 होता है। चांदी यानी अर्जेंटम इसका लैटिन नाम होता है, और Ag इसका सिंबल होता है दोस्तों, और एटॉमिक नंबर इसका 47 होता है, याद रखिएगा 47। नेक्स्ट है, अब इसका अभ्यास प्रश्न है दोस्तों जिसे हम लोग करेंगे, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है क्या, विद्युत अपघट्य क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है, रासायनिक प्रतिक्रिया का, मोमबत्ती का जलना रासायनिक प्रतिक्रिया का ये उदाहरण है, जबकि लोहे का चुंबक बनाना, बर्फ का पिघलना, ये सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। वात्य भट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित के लिए, किसके लिए होता है दोस्तों, तो ये अपचयन के लिए होता है। ऑक्सीकरण है क्षति क्या, तो ये है दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की क्षति है ऑक्सीकरण। नेक्स्ट, घटना जहां पदार्थ को गर्म करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं कही जाती है क्या, क्या कही जाती है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कही जाती है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। किस विद्युत अपघट्य का प्रयोग डेनियल सेल में किया जाता है, तो H2SO4 यानी सल्फ्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं दोस्तों, एनोड। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें होती है क्या, जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है दोस्तों ऑक्सीडेशन में। नेक्स्ट है, उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है, जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है, उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया दोस्तों। उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा है सही है दोस्तों, बताइए इसका, उत्प्रेरक के संबंध में, वह प्रतिक्रिया के दर को बढ़ाता है, उत्प्रेरक बिल्कुल बढ़ाता है, वह सक्रियण ऊर्जा बढ़ाता है, ये भी दोस्तों सही है, यानी एक नंबर इसका सही है, और वह सक्रिय ऊर्जा घटाता है, ये गलत है, वह प्रतिक्रिया में खर्च होता है, ये भी गलत है दोस्तों, ए और बी बिल्कुल सही है। बैटरी का धनात्मक है क्या, बैटरी का धनात्मक होता है दोस्तों एनोड, एनोड पर प्लस चार्ज होता है, याद रखिए कैथोड पर निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। फेरिक ऑक्साइड में लोहा का संयोजकता है क्या, लोहा का संयोजकता +3 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है क्या, तो क्या आबंध है, ससंयोजी आबंध है दोस्तों, ससंयोजी आबंध। नेक्स्ट, कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों उत्प्रेरक, याद रखिएगा उत्प्रेरक। नेक्स्ट, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है किसमें, किसमें प्रयोग होता है दोस्तों, तो इसका प्रयोग होता है नाइट्रस के विश्लेषण के लिए, नाइट्रस के विश्लेषण के लिए। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह क्या है, वह है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। लोहे की सतह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो याद रखिए गैल्वेनाइजिंग अपनाई जाती है दोस्तों, गैल्वेनाइजिंग। बैटरी के इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक क्या है, नाइट्रोजन का यौगिक क्या है, तो याद रखिएगा अमोनिया है, अमोनिया है नाइट्रोजन का यौगिक। निम्नलिखित में से विद्युत का बेहतर संचालन संचालक कौन होता है दोस्तों विद्युत का, तो ये होता है दोस्तों लवण जल, लवण जल ऑप्शन के अनुसार। उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो क्या, जो दोस्तों अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं, वह उत्प्रेरक होते हैं।
सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? आपको पता है दोस्तों, सोडियम को रखा जाता है केरोसिन तेल में। अगर हम लोग इसको जल में रखेंगे तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो ये हाइड्रोजन उत्पन्न होगी और ये जलने लगेगा। सोडियम सल्फेट का जल में विलयन का अक्रिय इलेक्ट्रोडों के प्रयोग से विद्युत अपघटन किया जाता है। कैथोड और एनोड पर क्रमशः उत्पाद होता है क्या? तो याद, कैथोड पर O2 होता है और एनोड पर SO2 होता है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों। ससंयोजी यौगिक का एक उदाहरण क्या है? ससंयोजी यौगिक का तो CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म दोस्तों, याद रखिएगा। क्योंकि जो यौगिक ससंयोजी बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें ससंयोजी यौगिक कहते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किसमें रासायनिक परिवर्तन होता है? किसमें होता है? तो लोहा में जंग लगना ये तो होता ही है, लकड़ी का भी जलना, लकड़ी का अपघटन सभी में होता है दोस्तों। रासायनिक कमी चेंजेज यानी दोस्तों केमिकल चेंजेज। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह लेड मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है। यह अभिक्रिया एक उदाहरण है किसका? यह उदाहरण है किसका दोस्तों? देखिए, यह अपघटन अभिक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये उदाहरण है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? स्टोरेज बैटरी में सीसा यानी लेड का प्रयोग किया जाता है। चूने का पानी किसके गठन से दुधिया हो जाता है दोस्तों? तो याद है कैल्शियम कार्बोनेट से यह दुधिया हो जाता है। नेक्स्ट, तेलों की हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक क्या है? क्या है दोस्तों? NI है यानी दोस्तों ये निकेल है, निकेल। निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए, एंटोनी एल लेवोजियर। इसे आधुनिक रासायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। निम्न में से कौन बिजली के कुचालक हैं, बताइए? तो ये हो जाएगा दोस्तों, कौन बिजली के कुचालक हैं? तो माइका और क्वार्ट्ज, केवल एक ही हो जाएगा दोस्तों बिजली के ये कुचालक हैं, माइका और क्वार्ट्ज यानी ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? तो याद रखिए, अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है, यह सही नहीं है दोस्तों, बाकी सब सही है। कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है और निकलने वाली ऊष्मा कम होती है, H2 गैस निकलती है यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होती है? जिसमें दोस्तों ऊष्मा निकलती है। डैश प्रकृति में विद्युतीय धनात्मक होती है, तो याद रखिएगा धातुएं दोस्तों धनात्मक होती है। निम्न तत्व में से कौन सा एक अपचायक कारक नहीं है? अपचायक कारक तो ये क्लोरीन दोस्तों नहीं है, बाकी सब है सोडियम जस्ता कोक है। H2O2 प्लस Cl2 को अगर हम मिक्स किए दोस्तों तो 2HCl बन जाता है और O2 निकलता है, यानी अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में ये कार्य करता है, बताइए किसके रूप में कार्य करता है? एक अपचायन के रूप में दोस्तों, एक अपचायक के रूप में ये काम कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? धनायन कौन सा है? तो याद रखिएगा, अमोनियम एक धनायन है दोस्तों। एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 5.0×10⁻¹⁻ मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2×10⁶ मीटर प्रति सेकेंड गति से चलता है, समतुल्य विद्युत धारा क्या होगा? तो समतुल्य विद्युत धारा होगा दोस्तों 1.12 ये क्या मेगा हर्ट्ज हो जाएगा, यानी दोस्तों 4 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। यदि हम धोबन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? तो हम क्या देखेंगे दोस्तों? तो याद रखिएगा, तो हम CO गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है दोस्तों। 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2O को रिएक्शन किए तो कॉपर निकल गया और H2O जल अलग हो गया दोस्तों। यह समीकरण निम्न में से किसका एक उदाहरण है? किसका उदाहरण है ये? तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का दोस्तों उदाहरण है, रेडॉक्स अभिक्रिया का। नाइट्रोजन जब तप्त कैल्शियम से क्रिया करती है तो बनेगा क्या? तो क्या बनेगा? कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा दोस्तों, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल 2 बन जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट।
असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है, कंकाल रासायनिक समीकरण। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैस भरी होती है दोस्तों, तो ये नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगर नाइट्रोजन नहीं है तो देखिए दोस्तों आर्गन भरी जाती है, ये ऑप्शन में नहीं है तो नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन या निष्क्रिय गैस नहीं है लेकिन उसके तरह यह भांति काम करता है दोस्तों, लेकिन आर्गन जो है यह निष्क्रिय गैस है यानी इनर्ट गैस है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिए उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अपक्षेप का रंग कैसा होता है? कैसा होता है दोस्तों? सफेद होता है, सफेद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को ढूंढिए दोस्तों, कौन सा असत्य है 46 का क्या होगा? तो याद रखिए दोस्तों असत्य है ना, देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादकों में विभिन्न तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, यही असत्य है, बाकी दोस्तों सब सत्य है, उसको देख लेते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादकों में एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं की संख्या वो समान होती है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों केवल एक असत्य है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है PbO यानी दोस्तों लेड ऑक्साइड प्लस HCl को मिक्स किए तो क्या बन गया दोस्तों? लेड क्लोराइड बन गया प्लस H2O अलग हो गया दोस्तों। तो यह समीकरण पर ध्यान देकर आपको बतानी है, उक्त समीकरण के संतुलन हेतु HCl के डैश मोल्स की आवश्यकता होगी, कितना मोल्स की आवश्यकता होगी? तो 2 मोल्स की आवश्यकता होगी दोस्तों HCl की, क्योंकि देखिए दोस्तों हाइड्रोजन यहाँ पर दो है ना, लेकिन यह हाइड्रोजन एक ही है तो 2 की आवश्यकता होगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता क्या है? इसकी संयोजकता दोस्तों 7 होती है, कितनी? 7 होती है। संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया क्या क्रिया होती है दोस्तों? क्या क्रिया होती है? तो याद रखिएगा CaCO3 प्लस 2HCl ये दोनों मिक्स होगा तो CaCl2 हो जाएगा दोस्तों, यानी कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, H2O और CO2 गैस निकलेगा दोस्तों। कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड CO अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक है, अपचयन अभिकारक है, CO अपचयन अभिकारक है। Fe प्लस CuSO4 को अगर रिएक्शन किए दोस्तों तो FeSO4 प्लस CU दी गई अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है, किसका एक उदाहरण है? तो याद रखिए विस्थापन अभिक्रिया का यही उदाहरण, विस्थापन अभिक्रिया का। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक क्या है? तो जिंक याद रखिएगा क्या है, कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है दोस्तों। परिवर्तनीय संयोजकता डैश द्वारा प्रदर्शित की जाती है, किसके द्वारा किया जाता है? तो यह संक्रमण तत्व के द्वारा किया जाता है दोस्तों। डैश अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो कौन से होती है दोस्तों? दोहरा विस्थापन होता है, दोहरा विस्थापन। नेक्स्ट ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है, तो वह है दोस्तों दहन है, दहन। डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, कौन सी धातु? तो यह हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम धातु, एल्युमिनियम धातु निकाला जाता है। समान रूप से एक उदासनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो ये याद रखिएगा क्षार प्लस अम्ल, तो क्षार प्लस अम्ल ये लवण और जल हो जाएगा दोस्तों, इस रूप में लिखा जा सकता है। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? तब होता है दोस्तों हाइड्रोजन गैस और लोह क्लोराइड तैयार होता है, हाइड्रोजन गैस और लोह क्लोराइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश का निर्माण उत्पाद के रूप में होता है, तो याद रखिएगा कास्टिक चूना का निर्माण होता है दोस्तों, कास्टिक चूना यानी याद रखिए बिना बुझा हुआ चूना दोस्तों, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन असत्य है बताइए, ऑप्शन के अनुसार असत्य है कौन सा कथन? क्या क्वेश्चन है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य या फिर असत्य है? तो यह हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल, देखिए दोस्तों तो क्या निम्नलिखित
वो प्रत्यावर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, नहीं है ये। निम्नलिखित संयोजी अभिक्रिया का एक ये उदाहरण है, संयोजी। हाँ दोस्तों बिल्कुल, दोनों बिल्कुल दोनों साइड संयोजी है यानी वायलेंस है। बिल्कुल दोस्तों ये बैलेंस किया हुआ है, तो इसका होगा केवल एक सत्य है दोस्तों, बी सत्य है, यानी हो जाएगा इसका राइट आंसर दो नंबर, बी सत्य है, एक गलत है। नेक्स्ट, धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच सामान्य अभिक्रिया के संबंध को किस रूप में लिखा जा सकता है, किस रूप में? तो धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल लवण प्लस पानी दोस्तों, इस रूप में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या फिर असत्य है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए निम्न प्रतिवर्ती अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ये प्रतिवर्ती अभिक्रिया का नहीं दोस्तों, ये उदाहरण नहीं है। निम्न प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ये प्रकाश अपघटन, हाँ दोस्तों ये बिल्कुल प्रकाश अपघटन का एक अभिक्रिया का ये उदाहरण है, हीट। नेक्स्ट दोस्तों, तो इसका बी नंबर सही है, यानी दोस्तों बी सत्य है, केवल बी सत्य, यानी चार नंबर हो जाएगा इसका। ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें डैश की कोटिंग होती है, किसकी कोटिंग होती है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग होती है दोस्तों, पॉलीविनाइल क्लोराइड की। नेक्स्ट, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनते हैं, क्या उत्पाद बनते हैं? तो याद रखिएगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस जल प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस सल्फर टेट्रा ऑक्साइड बनती है दोस्तों, ये बनती है। नेक्स्ट, जब कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो तदनुसार लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनता है। इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है वो बताइए। तो सही कौन सा है, देखिए सही सिर्फ तीन है दोस्तों, N2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl को बैलेंस करें, बिल्कुल बैलेंस करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, यानी तीन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, विद्युत विघटन अभिक्रिया कहलाता है दोस्तों, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। 66 का एक नंबर होगा यानी ए। नेक्स्ट, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे डैश अभिक्रिया कहा जाता है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और इसका आंसर हम एक जगह दे देते हैं दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि कितना आपका आंसर सही है इसमें, कितना गलत है। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी थोड़ा देख लीजिए, मूल कण ये आवेश और कूलम में है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। याद रखिए इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है दोस्तों, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और प्रोटॉन पर कितना होता है दोस्तों, +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, जबकि न्यूट्रॉन पर जीरो होता है। और इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जे थॉम्सन है दोस्तों, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड है, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक है, याद रखिएगा दोस्तों इसको।